हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एग्रीकल्चर। अब देखिए, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, बहुत सारे सब टॉपिक्स इसके अंडर आते हैं, तो एक वीडियो के अंडर कवर करना इसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स प्रिपेयर किया है कि हमें इसके अंडर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉपिक्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। प्लस ऐसा नहीं है कि यही टॉपिक्स रहेंगे, बीच में अगर मुझे स्टडी करते टाइम, फॉर एग्जांपल मैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पढ़ रही हूँ, मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड एक और टॉपिक इसमें होना चाहिए, तो मैं उसको वहीं पर उसी वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर दूंगी, ठीक है। बट ये टॉपिक्स जो कि मैंशन किए हैं ये तो हमने पढ़ने ही है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर क्या है, इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी के लिए, एम्प्लॉयमेंट में या नेशनल इनकम में। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि जीडीपी या नेशनल इनकम तो सेम ही चीज़ है। नहीं, सेम चीज़ नहीं है, डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है वो हम कंप्लीट वीडियो में पढ़ेंगे, वहां मैं हल्का सा डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट आता है बेसिक फैक्ट्स अबाउट एग्रीकल्चर, जैसे कि सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना है, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर एंड फाइव ईयर प्लान्स, अब देखिए टोटल 12 फाइव ईयर प्लान्स हैं, तो हर एक फाइव ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करके कुछ नई नई स्कीम्स आई हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन आता है कलर्ड रेवोल्यूशन इन इंडिया, जैसे कि पिंक रेवोल्यूशन हो गया आपका, ग्रे रेवोल्यूशन हो गया, ट्राई कलर रेवोल्यूशन हो गया, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हो गया, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन हो गया, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट इसके साथ में हम सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये दो चीजें पढ़ेंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन एंड फिशरीज सेक्टर को हम साथ में पढ़ेंगे। देन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हमें पढ़ना है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, एपीपी एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी, इसमें हम जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है, इशू प्राइस होता है, और उसके अलावा हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पढ़ते हैं, तो ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ेंगे, नाबार्ड, नाफेड, एनसीडीसी, मेगा फूड पार्क स्कीम, इंपॉर्टेंट पोर्टल्स एंड एप्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम्स, ये सब कुछ हमें एग्रीकल्चर के अंडर पढ़ना है। बट अगर मुझे कोई और टॉपिक मिलता है तो वो भी मैं टाइम के साथ ऐड कर दूंगी, इंडेक्स में भी ऐड कर दूंगी, ताकि अगर आपको पीडीएफ परचेज करना है तो यहाँ भी अपडेटेड मिल जाएगा। बाकी आप नोट्स बना रहे हैं तो आप साथ साथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ेंगे, तो टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंडर पढ़ने हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने सिर्फ इंडेक्स ही आपके साथ डिस्कस किया था, तो आज जो हमें पढ़ना है वो है फर्स्ट थ्री पॉइंट्स, एग्रीकल्चर, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट में एंड नेशनल इनकम में, कुछ बेसिक फैक्ट्स जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, एंड एग्रीकल्चर एंड फाइव ईयर प्लान्स, ये तीन टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। तो बस आप वीडियो के साथ में अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। एग्रीकल्चर फर्स्ट पॉइंट आता है, मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द लास्ट सिक्स डिकेड्स। देखिए, पिछले छह दशकों में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफी फोकस हुआ है, काफी इंडस्ट्रीज इंडिया में बनी हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में जो मैक्सिमम लोग हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, अभी भी मेन स्टे जो लोगों का है जीवन जीने का वो खेती बाड़ी ही है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें जिस टाइम पे हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा लोग खेती बाड़ी करते थे, और जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत था नेशनल इनकम में, जीडीपी में। लेकिन अब जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है, सर्विस सेक्टर सामने आया है, तो लोग तो काफी ज्यादा इंडल्ज अभी भी हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना वो काफी कम हो गया, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का टू जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब कितनी जॉब्स ये प्रोवाइड करवा रहा है, इंडिया की ग्रोथ रेट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे पास अभी जो सेंसस है वो 2011 का है, तो जो भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे उसी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। वैसे सेंसस 2021 में होना था, बट ड्यू टू कोविड नहीं हो पाया। अब एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर 2023 में रिलीज होगा, देखते हैं होता है नहीं होता है, जब भी रिलीज होगा हम उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर स्टडी करेंगे। फिलहाल जो खेती बाड़ी का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के लिए वो देखते हैं, सो इट कंट्रीब्यूट्स राइट नाउ अबाउट 17% ऑफ द टोटल जीडीपी। 2011 का ही डेटा चलेगा जब तक अगला सेंसस नहीं आता है। सो टोटल जीडीपी का 17% ही सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है खेती बाड़ी, यानी कि एग्रीकल्चर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, जो जॉब्स होती हैं, कितने लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवाता है खेती बाड़ी। जो देखिए, आज के डेट में अगर हम बात करें, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेशक स्टार्टअप्स पे काफी फोकस किया गया है, स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। सो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 58% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में जो भी प्रॉपर पूरी की पूरी जनसंख्या है उसमें 58% लोग अभी भी खेती बाड़ी करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको इंटरेस्ट है, बट जब जॉब्स ही नहीं है, आप
काफी ज्यादा एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, बट जॉब्स नहीं है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बस स्किल्स नहीं है, प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, वो अलग एस्पेक्ट है, लेकिन अगर जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो उस केस में इंसान क्या करेगा? जो हमारे बाप दादा परदादा की जो जमीन है वहीं पे खेती बाड़ी करेगा। तो हो गई, इससे ज्यादा पॉपुलेशन प्रेशर किस पे पड़ रहा है? एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब इतनी जमीन तो है भी नहीं, जो प्लेन एरिया जैसे यूपी है, पंजाब है, वहां पे तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे जमीन बहुत ज्यादा हो लेकिन फिर भी वो सीढ़ी नुमा होती है, तो वहां पे आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का, जो ट्रैक्टर फैसिलिटी है, इन सबका यूज ही नहीं कर सकते, सब कुछ हाथ से करना पड़ता है, तो प्रोडक्शन उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन लोग बहुत ज्यादा इंडल्ज हो रही है एग्रीकल्चर में, समझ रहे हैं? लोग ज्यादा है लेकिन इतना काम नहीं है करने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब हम पढ़ेंगे वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, बेसिक फैक्ट्स अबाउट एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स क्या क्या है। पहला है, इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। कॉटन को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला है इंडिया पूरी दुनिया में। एक्सपोर्ट क्या होता है? देश से बाहर भेजना किसी चीज को। अगर हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, जैसे जूट काफी ज्यादा होता है इंडिया में, है ना, तो जो चीज आपके पास सरप्लस अमाउंट में होती है उसे हम बाहर की कंट्रीज को बेचते हैं, वहां से पैसा आता है, तो वो भी हमारी इनकम हो जाती है, ठीक है। इम्पोर्ट करना क्या होता है? कि कोई चीज है वो हमारी कंट्री में नहीं है, हमारी कंट्री डेफिशिएंट है उस केस में, तो हम बाहर से उसको खरीदते हैं और उनको पैसे देते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है वो चीज, है ना, तो इस हिसाब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पूरी दुनिया में इंडिया है इन द फील्ड ऑफ कॉटन, ठीक है। सेकेंड आता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर, पोटैटोज, ओनियन, ब्रिंजर एक्सेट्रा अमंग वेजिटेबल्स। सब्जियों में ये जो आलू, प्याज है, बैंगन है, ये जो सारी है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है? इंडिया, इन चारों में, ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है। नेक्स्ट आता है सिक्किम। तो ये करंट अफेयर का पार्ट था, आई थिंक एक डेढ़ दो साल, काफी कुछ साल पहले की बात है, दो तीन साल आई थिंक। तो सिक्किम जो है ये बना है फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड दैट क्लेम्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चलने वाला स्टेट बना है सिक्किम, ठीक है। तो पूरी दुनिया में ये बना है, इंडिया में तो है ही, पर पूरी दुनिया में भी बना है। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, नया वर्ड आया तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, फिर वापस हम फैक्ट्स के ऊपर चलेंगे। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है एन एग्रीकल्चरल प्रोसेस दैट यूजेस बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट वेस्ट। देखिए, ऑर्गेनिक मतलब हमें ऑर्गेनिक चीजों को यूज करके खेती बाड़ी करनी है, तो जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, प्लांट्स का वेस्ट होता है, उससे कुछ फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, यानी खाद बनाई जाती है, पेस्ट कंट्रोल बनाया जाता है। पेस्ट कंट्रोल क्या होता है? जो कीट पतंग होते हैं ना, कीटाणु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो हमारी फसलों को खराब ना करें, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाई छिड़की जाती है जिससे वो फसल के पास नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है एनिमल एंड प्लांट वेस्ट से बनाई जाती है, फिर एग्रीकल्चर किया जाता है, तो इस तरह के प्रोसेस को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहती है। और सिक्किम बना है पहली स्टेट पूरी दुनिया में दैट क्लेम्ड 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब यहां पे लिख लीजिएगा दैट क्लेम्ड 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है, इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। खेती बाड़ी कर रहे हैं, प्रोडक्शन जो हो रही है, डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो भी हो रहे हैं, तो उसमें सेकेंड रैंक रहता है वर्ल्ड वाइड इंडिया का, एंड इट रैंक्स 9th इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। जो खेती बाड़ी से संबंधित जो चीजें होती हैं उनका जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें रैंक इसका 9th है, ठीक है जी। अब देखिए, हमने ऊपर यहां पे पढ़ा था ना कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो यहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम रह गया था, तो वो हम यहां पे पढ़ेंगे। अब आप ये भी सोचेंगे कि नेशनल इनकम जीडीपी सेम ही चीज तो है, क्या डिफरेंस है? हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है, दीज आर नॉट द सेम टर्म्स, राइट। पहले कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सो कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, अब इसमें देखिए 1950 और 2011-12 का डेटा जो है कंपेयर किया गया है, तो 1950 में नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहता था एज हाई एज 56%, लेकिन जब 2011-12 में डेटा एनालाइज किया गया तो उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन आ गया 13.9%, यानी कि 14% कंट्रीब्यूशन रह गया है ना। चलिए, ये तो हो गया। अब इसमें भी बहुत सारे रीजंस हैं कि जैसे और इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी डेवलपमेंट हुई है, लोग बाहर जाके भी सेटल हो रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर में इंक्रीज आया है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अलग अलग जगह है, तो जिनको जॉब मिल रही है वो अलग जगह कर रहे हैं, तो इसी वजह से अब जब जॉब्स नहीं करती हैं तो सर्विसेज सेक्टर काफी ज्यादा जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम में, जीडीपी में, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेशनल इनकम और जीडीपी में डिफरेंस है क्या। अब देखिए, नेशनल इनकम क्या होता है? सम ऑफ ऑल द इनकम्स अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। कोई भी देश है उसकी अर्थव्यवस्था में जहां जहां से भी इनकम अर्न होती है उस सबका एडिशन होता है नेशनल इनकम। इसको आप अच्छे से समझेंगे इस एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि वेजेस हैं, सैलरीज हैं, जो कि वर्कर्स की हर महीने की कमाई होती है, उन सबका एडिशन किया जाता है, प्लस प्रॉफिट्स अर्नड बाय फर्म्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ,
उसको ऐड किया जाता है प्लस रेंट अर्न बाय लैंड ओनर्स, जो देते ना किराए पे देते हैं, क्वार्टर देते हैं, रेंट पे देते हैं, तो उनसे जो रेंट आता है उन सबको ऐड करके। अभी तो तीन एग्जांपल हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां जहां से भी पैसा मिलता है उस सबको ऐड करके जो इनकम निकलती है दैट इज नोन एज द नेशनल इनकम। अब जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये वैसे दोनों टर्म्स मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी हैं, स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था नेशनल इनकम अकाउंटिंग उसमें। थोड़ा सा जीडीपी का देख लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड यूजुअली अ ईयर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो कि स्पेसिफिकली एक साल होता है, एक साल होता है, तो उसमें कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई एक कंट्री में। गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि अगर हम बात करें कितने मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन हुई, ठीक है, तो उनकी वर्थ क्या थी, 1 करोड़ 10 करोड़, कितने व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई, कितने टेबल्स बने, ऐसी छोटी छोटी चीजें है ना, तो वो हर एक चीज की वर्थ को ऐड किया जाता है और वो बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं प्रोड्यूस्ड बाय हाउस होल्ड्स फर्म्स एंड गवर्नमेंट, राइट। अब देखिए हमारा पहला पेज हुआ कंप्लीट, बेसिक फैक्ट्स पढ़े, कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। अभी हमें काफी कुछ पढ़ना है आगे भी, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड डायरेक्टली अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर एंड 5-year plans के बारे में। तो देखिए टोटल कितने 5-year plans थे, 12 थी। नीति आयोग जो है, पहले तो प्लानिंग कमीशन था बट बाद में नीति आयोग के अंडर जो है इनकी सारी की सारी वर्किंग आ गई थी, इम्प्लीमेंटेशन आ गई थी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हर एक 5-year plan के साथ एग्रीकल्चर का क्या संबंध था। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो सेकंड 5-year plan था उसमें कितना परसेंट एग्रीकल्चर पे दिया गया अमाउंट। तो देखिए एक पर्टिकुलर एक पैसा होता है, जैसे 20 करोड़ है, 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, हर 5-year plan में इतना अमाउंट दिया जाता था। फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर है और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, एजुकेशन है, तो अलग अलग सेक्टर्स को कुछ पैसा अलॉट किया जाता था। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो टोटल अमाउंट सेकेंड 5-year plan में अलॉट किया गया था सरकार ने डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना दिया गया था, 20%, या फिर आपको आ सकता है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कौन से 5-year plan के अंडर लॉन्च किया गया, तो वह थर्ड 5-year plan। तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है बट यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये आपको इतने मतलब स्पेसिफाइड वे में कहीं नहीं मिलेगा, बहुत रिसर्च करके मैंने यहां पे नोट्स बनाए हैं। और स्पेशली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है पहले 3, ठीक है, बाकी सब में फिर थोड़ा सेम ही रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट 5-year plan की बात करें, हाईएस्ट आउटले ऑन एग्रीकल्चर, जो 12 5-year plans थे उसमें सबसे ज्यादा खर्चा, सबसे ज्यादा अमाउंट जब अलॉट किया गया था एग्रीकल्चर को वो था फर्स्ट 5-year plan में। तो ऐसा क्यों था, देखिए हम इंडिपेंडेंट हुए तो जो भी हमारी फर्टाइल लैंड थी वो सारी की सारी पाकिस्तान के पास चली गई थी, ठीक है। तो अब इंडिया के पास इतनी फर्टाइल लैंड नहीं थी और भी बहुत सारे रीजंस थे, तो अब क्या किया गया, फोकस इस चीज पे किया गया कि हमें खेती बाड़ी को सुधारना है, एग्रीकल्चर को सुधारना है ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो सके, खाने पीने के लिए हमारे पास खुला जो है हर एक चीज हो, इस तरह से, ठीक है। इसलिए जो टोटल आउटले अंडर प्लान, इस प्लान के अंडर जो टोटल बजट था, जो खर्च करना था, वो था 1960 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें से 601 करोड़ यानी कि 31% अमाउंट जो था दैट वॉज एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर। अब यहां पे समझने वाली बात है कि आज तक जितने भी 5-year plans बने हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट, ठीक है, एग्रीकल्चर को दिया गया, हाईएस्ट आउटले, हाईएस्ट परसेंटेज एग्रीकल्चर को दी गई, कितनी, 31% इन टर्म्स ऑफ मनी, 601 करोड़ रुपीज, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पहला। फिर आता है सेकेंड 5-year plan। अब देखिए और भी था इसमें, एजुकेशन है, पॉवर्टी है, लेकिन हम सिर्फ एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हम बाकी सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 5-year plans तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एक बार, है ना। चलिए सेकेंड 5-year plan की बात करें, सो द ओवर फुलफिलमेंट ऑफ फर्स्ट 5-year plan मेड प्लानर्स थिंक दैट फूड प्रॉब्लम इज सॉल्व, हैज नाउ लेस आउटले फॉर एग्रीकल्चर। अब यहां पे क्या होता है कि पहला 5-year plan में जो रखा गया टारगेट वो सब बहुत अच्छे से अचीव हुआ, तो अब सबको लगा कि जो एग्रीकल्चर की जो फूड प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं ये सारी सॉल्व हो गई हैं। तो अब सेकेंड 5-year plan में उन्होंने एग्रीकल्चर को काफी कम पैसा दिया जो कि था 20% ऑफ द टोटल आउटले। अब यहां से क्वेश्चन नहीं आता, यहां से आता है अमाउंट का क्वेश्चन, यहां से नहीं आता क्योंकि आगे आगे हम पढ़ते रहेंगे, अब आगे चल के 10% हो गया, है ना, तो यहां से नहीं, सिर्फ पहले वाले से वो क्वेश्चन आता है। अब देखिए जो टोटल अलॉटमेंट थी उसमें से सिर्फ 20% एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया गया अंडर सेकेंड 5-year plan। थर्ड 5-year plan की बात करें, सो अब रियलाइज हुआ कि हम अभी तक नहीं सफिशियंट हुए हैं तो हमें फिर से फोकस करना पड़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर, सो प्रीडोमिनेंट एम्फेसिस एग्रीकल्चर पे दिया गया।
मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन्स एंड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स। पहली चीज तो हम सेल्फ सफिशियंट हो जाएं, जो भी हमें खाने की चीजें चाहिए होती हैं हमारे देश में ही प्रोड्यूस हों। दूसरा ये कि प्रोडक्शन को इतनी ज्यादा बढ़ा दो कि हम उसे एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमा सके। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को मेन फोकस एरिया बना दिया गया एंड एलोकेटेड ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल आउटले। अब आप कहेंगे कि 10%, ये तो 31% से कम है। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे 1960 करोड़ था, यहाँ पे जो अमाउंट है वो भी बढ़ाना, तो उसके हिसाब से 10% यानी जो अमाउंट था वो एग्रीकल्चर के लिए इतना ही था ऑलमोस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। तो दो प्रोग्राम्स जहां से क्वेश्चन आता है वो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP एंड हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो कि था HYVP। ठीक है, दीज वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग 3rd 5-year plan। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है इन प्रोग्राम्स में से, राइट। अब हम देखिए सारे प्लान्स तो एक साथ नहीं पढ़ सकते ना, बहुत लेंथी हो जाएगा, आप याद भी कैसे रखेंगे। तो जो बाकी के सारे प्लान्स थे ना उनमें इन्हीं चीजों पर फोकस किया गया है। हाँ, 12th 5-year plan में कुछ डिफरेंट चीज आई थी वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए जो बाकी प्लान्स हैं उनमें किन चीजों पे फोकस किया गया, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, अच्छी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं जमीन की, है ना, खाद हम जिसे बोलते हैं अपनी भाषा में, सो उसका यूज बढ़ाया गया, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स यूज किए गए, न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स खेतीबाड़ी की आई, इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की नई नई व्यवस्थाएं आई, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड प्रोडक्शन, खाने पीने में सेल्फ सफिशियंट हो गए, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी क्या होता है ना, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन, तो वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन में इस टर्म को ही मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल नहीं है, वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो गया, आप लोग बोर भी हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल क्या होता है, जो कीटाणु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट पतंग होते हैं जो खा जाते हैं फसलों को, तो उसके स्प्रे किया जाता है ताकि ऐसी चीजें इंसेक्ट्स जो है दूर रहें हमारी क्रॉप से। मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, अब अगर प्रोडक्शन बढ़ गई उनको स्टोर करने के लिए ठंडा ठंडा सब कुछ चाहिए, अगर वो चीज नहीं है तो वो तो गर्मी में सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो फिर स्टोरेज फैसिलिटीज पे फोकस किया गया। क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर किसी को लोन चाहिए तो उसके ऊपर फोकस किया गया। तो ये सारी चीजें थी जो आगे के 5-year plans में फोकस की गई थी। ठीक है, अब देखिए अगर आप मेंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ में तो ये वर्ड्स आपके लिए जरूरी से, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हो गया, मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज हो गई, तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है 12th 5-year plan, ये लास्ट भी था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अलग था, डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर डेयरिंग एंड अदर एनिमल हस्बेंड्री। तो हॉर्टिकल्चर पे यानी कि जो बागवानी होती है, फ्रूट्स की प्रोडक्शन है, डेयरिंग यानी जो मिल्क होता है एंड अदर एनिमल हस्बेंड्री, इन चीजों पे फोकस किया गया। ठीक है जी, तो देखिए आज हमने इतना ही पढ़ना था, ये हो गया कंप्लीट। आज हम इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर के अंडर पढ़ेंगे कलर्ड रेवोल्यूशंस इन इंडिया के बारे में। देखिए ये है इंडेक्स जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो फर्स्ट 3 points हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है, बेसिक फैक्ट्स अबाउट एग्रीकल्चर है एंड एग्रीकल्चर एंड 5-year plans हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक काफी ज्यादा छोटा है जो कि है कलर्ड रेवोल्यूशंस इन इंडिया, यानी कि हर एक कलर से एक क्रांति संबंधित है तो वो हमें पढ़ना है। इसमें पिंक रेवोल्यूशन आ जाता है आपका, ट्राई कलर रेवोल्यूशन आ जाता है, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, तो ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, काफी शॉर्ट वीडियो है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। कलर्ड रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि हर एक रंग से एक क्रांति जुड़ी हुई है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 columns बनाए हैं, एक साइड पे लिखा है रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति का नाम और दूसरे साइड पे लिखा है प्रोडक्ट कि वो किससे रिलेटेड है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा राउंड रेवोल्यूशन, तो ये पोटैटो से रिलेटेड है। सेकेंड है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये एग्रीकल्चर उसमें भी मेनली फूड ग्रेन से रिलेटेड है। अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी रहेगी उसमें मैं आपको ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, एवरग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इन 3 चीजों के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लें कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। थर्ड आता है ग्रे रेवोल्यूशन, तो ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स एंड वूल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बट मेनली ऑप्शन में आपको फर्टिलाइजर्स ही आएगा। ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन रिलेटेड है अनियन प्रोडक्शन से, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से, तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, फिशरीज सेक्टर, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है ब्लू रेवोल्यूशन, तो देखिए ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन एंड फिशरीज सेक्टर का हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब ऐसा मत सोचिएगा कि हर एक रेवोल्यूशन में हमें इन डेप्थ पढ़ना है, नहीं, जैसे आपका व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, फिशरीज का थोड़ा सा है तो यही पढ़ने होते हैं, बाकी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ब्राउन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है जी, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी तरह से आता है, इससे डेप्थ में नहीं आता है।
अब नेक्स्ट आता है रेड रेवोल्यूशन, तो ये मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद में आता है येलो रेवोल्यूशन, तो येलो रेवोल्यूशन संबंधित है ऑयल सीड प्रोडक्शन के साथ। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर और कोको प्रोडक्शन। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना खेती बाड़ी, वैसे हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट्स हैं उनकी कल्टीवेशन आती है, राइट। नेक्स्ट आता है गोल्डन रेवोल्यूशन, ये तो हमने पढ़ी है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो कि जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो जूट इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है प्लस जो बांग्लादेश कंट्री है वो जूट के लिए काफी ज्यादा फेमस है ना। फिर आता है सिल्वर रेवोल्यूशन, एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन से रिलेटेड है। अब देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ऐसे जो हम नेग्लेक्ट करते हैं कि इनमें से कहां ही क्वेश्चन आएगा, बट यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत इजीली जो है आंसर कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आपका ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एक आपका एक और रेवोल्यूशन आता है, मुझे याद आ रहा है कि करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था अमृत रेवोल्यूशन, तो वो मैंने लिखा नहीं बट मुझे एकदम से स्ट्राइक कर गया माइंड में। अमृत रेवोल्यूशन जो है कैनाल प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा से एवरग्रीन रेवोल्यूशन, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ग्रीन, एवरग्रीन, सेकंड ग्रीन, ये तीनों रेवोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल जो है ये कनेक्टेड है, रिलेटेड है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के हर एक एस्पेक्ट को ये कवर करता है। अब लास्ट में आता है ट्राई कलर रेवोल्यूशन, तो देखिए ट्राई कलर जो हमारा रेवोल्यूशन है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है, मतलब उनका आइडिया है कि इस तरह का रेवोल्यूशन भी होना चाहिए। तो देखिए जो हमारा अब तिरंगा है ना उसमें तीन कलर्स आते हैं, सेफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन। ब्लू होता है उसमें जो अशोक चक्र है बीच में उसमें, लेकिन ग्रीन से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सेफ्रन रेवोल्यूशन है, जो सेफ्रन एनर्जी रेवोल्यूशन है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड है कि जो सूर्य की किरणें हैं, जो सनलाइट है, उसे हम कैसे यूज करें, उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज अ रिलायबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस तरह से। व्हाइट रेवोल्यूशन कैटल वेलफेयर, यानी जो पशु होते हैं उनके वेलफेयर से है। ब्लू रेवोल्यूशन है फिशरमैन्स वेलफेयर, क्लिंजिंग रिवर्स एंड सीज एंड कंजर्विंग वाटर, जो फिशरमैन मछुआरे होते हैं उनका वेलफेयर पे ध्यान देना, रिवर्स एंड समुद्र को साफ रखना और जो पानी है उसको कंजर्व करके रखना, इससे रिलेटेड है ब्लू रेवोल्यूशन। अब देखिए ये ब्लू रेवोल्यूशन अलग है जो कि अंडर ट्राई कलर रेवोल्यूशन आता है, और जो हमने ऊपर पढ़ा था ना ब्लू रेवोल्यूशन, यहाँ पे देखिए आप फिशरी सेक्टर से जो रिलेटेड है वो अलग है। यहाँ पे जो हम व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ट्राई कलर के अंडर वो कैटल वेलफेयर से है, लेकिन मेन व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ट्राई कलर रेवोल्यूशन आएगा अगर वो ब्लू रेवोल्यूशन पूछ रहे हैं उसमें, अगर उन्होंने ट्राई कलर वाला पूछना होगा तो वो ट्राई कलर मेंशन करेंगे, अदरवाइज सिंपल वाला ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज सेक्टर से है एंड सिंपल वाला व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से है, ठीक है जी। सो आज हमें इकोनॉमिक्स के अंडर जो एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ना है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए ये इंडेक्स है जो हम एग्रीकल्चर के अंडर टॉपिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट फोर पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एवरग्रीन रेवोल्यूशन। तो डायरेक्टली चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस टर्म को क्वाइन किसने किया था। सो दिस टर्म वॉज फर्स्टली क्वाइन बाय डॉक्टर विलियम गॉड। देखिए स्टार्टिंग में हम वन लाइनर्स पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि एक्चुअल में ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या। ये हरित क्रांति हम बोलते हैं, रटते थे स्कूल्स में, बट ये एक्चुअली में है क्या वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझिए कि जो टर्म है सबसे पहले यूज की गई थी या क्वाइन की गई थी डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा, एंड दिस कंसेप्ट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ नॉर्मन बॉरलॉग। ये आइडिया किसी और का है, ये टर्म किसी और ने दी थी, ये टर्म डॉक्टर विलियम गॉड ने दी थी, ये आइडिया नॉर्मन बॉरलॉग का था। लॉन्च्ड इन द ईयर 1966। अब वैसे तो देखिए एग्जैक्ट हम बोल नहीं सकते साल, लेकिन 1960s में ये कंसेप्ट, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 1966 एज अ लॉन्च ईयर हम बात कर सकते हैं। अब जो नॉर्मन बॉरलॉग है ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन फादर ये माने जाते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। अब इंडिया में कौन है वो भी हम जानेंगे, फिलहाल इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ने के लिए है। सो नॉर्मन बॉरलॉग वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1970 फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट। वीट के जो कुछ सीड्स होते हैं ना हाई यील्डिंग वैरायटी के, ये क्या है वो हम जानेंगे। तो इसको डेवलप करने के लिए, ठीक है जी, इसको डेवलप करने के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज 1970 में मिल चुका है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, उन्हें नोबेल पीस प्राइज 1970 में मिला है क्योंकि उन्होंने डेवलप की हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑफ वीट।
अब ये HYV सीड्स हैं क्या, क्या होता है इन बीजों को यूज करके? सो दीज आर द सीड्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स एंड डिजीज एंड हैव अ हाई यील्डिंग कैपेसिटी। ये कुछ इस तरह के बीज होते हैं, ठीक है, जिनमें जो कीट होते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, जो कीड़े मकोड़े जो फसलों को खराब कर देते हैं वो नहीं लगते इन सीड्स पे, ठीक है। और दूसरा कोई बीमारी जो है, मतलब बड़ी बीमारी तो कुछ तो एक्सेप्शन होती हैं, बट नॉर्मली जो बीमारियां होती हैं वो फसलों में नहीं लगती हैं। प्लस हाई यील्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इनसे बहुत ज्यादा होती है, बहुत तीव्र गति से होती है और बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉल्ड एज द थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को तीसरा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो पहले दो कौन से थे? पहला न्यूलिथिक रेवोल्यूशन एंड सेकेंड ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। तीसरा जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रांति आई थी, इससे पहले दो आ चुकी थी, कौन थी वो मैंने आपको बता दिया। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड कौन थे, अब ये जानते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन थे। MS स्वामीनाथन, उस टाइम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जिस टाइम पे ये कंसेप्ट चल रहा था, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अब देखिए हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली कि टर्म किसने कॉइन की, ब्रेन चाइल्ड किसका है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इसे कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है। अब हमें पढ़ना है मीनिंग कि तब से हम बात कर रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ये एक्चुअल में ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अ लार्ज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हाई यील्डिंग क्रॉप वैराइटीज। तो इन तीन लाइंस में ना पूरा का पूरा निचोड़ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या। अब हमें क्या चाहिए? प्रोडक्शन चाहिए, जो फसलें हैं वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, है ना, एक्सपेंशन चाहिए। तो जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनको ज्यादा अमाउंट में ग्रो करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं, वहां पे उन कंट्रीज में रेवोल्यूशन, ये क्रांति आई थी। कैसे अचीव की गई? जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड आप समझते हैं ना कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारने की दवाइयां होती हैं, है ना। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो फर्टिलिटी हमारी जमीन की बढ़ाते हैं, इसे आप हिंदी में खाद बोल सकते हैं, है ना, एग्जैक्टली आप देख लेना। एंड हाई यील्डिंग क्रॉप वैराइटीज, अच्छी अच्छी वैरायटी के सीड्स यूज करने, अच्छी मशीनरी, अच्छा सब कुछ यूज करना, ठीक है। अब हमें हुआ क्या है कि जिस टाइम हम इंडिपेंडेंट हुए, देखिए ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो काफी रिच, एक कह सकते हैं कि रिच एंड प्रॉस्पेरस कंट्री थी हमारी, बट उन्होंने वही है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, तो इंडिया की हालत जिस टाइम पे हम इंडिपेंडेंट हुए काफी ज्यादा खराब थी, बट स्टिल हम एटलीस्ट इंडिपेंडेंट तो हुए, हमें आजादी तो मिली। तो उसके बाद क्या होता है, एग्रीकल्चर की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। हमारा मैक्सिमम लोग खेतीबाड़ी में जुड़े हुए थे, लेकिन इतनी भी प्रोडक्शन नहीं होती थी कि जितनी हमारी जनसंख्या है उनका पालन पोषण हो सके। फिर उसके बाद देखिए 5 ईयर प्लान्स आए हैं 12, उनमें फिर जो है सेल्फ रिलायंस होना है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट करना है, काफी कुछ हुआ, इम्प्रूवमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई। लेकिन उस टाइम की हम बात करें, 1960s की बात हो रही है, तो अभी तक इतने हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए थे, तो हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ानी थी। इसके लिए हमने नई नई टेक्नोलॉजी को यूज किया, अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किए, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े। एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़ेगी और इट अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस, और बहुत अच्छे से सारा काम हुआ, बहुत अच्छी प्रोडक्शन रही। नाउ इट चेंज्ड कंट्री स्टेटस फ्रॉम फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशन। अब हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि खाने के लिए भी जो है पूरा प्रॉपर फूड नहीं था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के आने के बाद, अच्छे सीड्स, अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे पेस्टिसाइड्स, अच्छी वैरायटी, अच्छी इरिगेशन होने के बाद हमारी जो कंट्री है ये दुनिया की लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशन बन गया, ठीक है। एंड इट लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मेनली इन पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। अब उस टाइम पे सबसे पहले देखिए, एक हम पढ़ेंगे आगे चल के नेक्स्ट पेज पे, कि सबसे पहले जो साइट चूज की गई थी कि जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कराना है, वो था पंजाब, क्योंकि वहां पे पानी की अच्छी फैसिलिटीज थी, इरीगेशन फैसिलिटी सब कुछ था। तो अब होता क्या है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुई पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्थ प्लेस और ब्रियल ग्राउंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कहां से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसका बर्थ प्लेस जो है मैक्सिको को माना जाता है, विच इज अ कंट्री सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका। वहां से धीरे धीरे एक्सटेंड हुआ लेटिन अमेरिका की ओर, उसके बाद जो है बियॉन्ड टू एशिया एंड अफ्रीका ये पहुंचा। अब हमारा कॉन्टिनेंट हमारी कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है, ठीक है। अब चलिए ये भी हो गया, अब देखिए सारे वन लाइनर्स हैं ये, आपको आ गया बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्रियल ग्राउंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप क्या बोलेंगे, है ना। तो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से।
नेक्स्ट आता है अंडर द लीडरशिप ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री द ग्रीन रेवोल्यूशन विद इन इंडिया कमेंस्ड इन 1968। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उनके अंडर उनकी लीडरशिप के अंडर जो है ये इंडिया में कमेंस हुआ था 1968 में प्रॉपर वे से। ठीक है, अभी ग्रीन रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड पढ़नी है, जैसे कि सबसे पहली साइट जहां पे इंप्लीमेंट हुआ, प्लस उसके बाद हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था वो पढ़ना है, ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे एंड एवर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, बेशक वीडियो लंबी है बट आप ही के बेनिफिट में है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज सेलेक्टेड बाई इंडियन गवर्नमेंट टू बी द फर्स्ट स्टेट टू ट्राई द न्यू वीट सीड्स बिकॉज ऑफ इट्स रिलायबल वाटर सप्लाई। अब देखिए, सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कहाँ करें, चेक तो करना पड़ेगा कि ये चीज वर्क करती है या नहीं, ऐसे थोड़ी पूरे कंट्री में एक साथ इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो पंजाब को सेलेक्ट किया गया कि यहाँ पे हम ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या प्रोडक्शन आउटपुट रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे, अब देखिए, बेशक सूखा एरिया है, थोड़ा गर्मी ज्यादा होती है वहां पे, लेकिन वाटर सप्लाई काफी अच्छी थी। पंजाब को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ फाइव रिवर्स, है ना। प्लस वहां पे आप अगर कभी विजिट किया होगा अपने पंजाब साइड, तो कैनल्स बनी हुई हैं और इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, है ना, तो इसलिए पंजाब को सिलेक्ट किया गया। अब इससे क्या होता है, वीट प्रोडक्शन इंक्रीज हुई 3 times, यानी तिगुनी हो गई वीट प्रोडक्शन 1967-68 से 2003-04 तक। मतलब वर्क तो कर रहा है आइडिया, है ना। अब देखिए इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। अब नेगेटिव क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर वो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में जो फीचर्स हैं वो नेगेटिव इफेक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन के, तभी तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आया, है ना। पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए, कोई फीडबैक देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, एंड मैंने कोशिश किया कि हर एक पॉइंट में इजिली बिल्कुल सिंपल भाषा में, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल फ्रेंडली लैंग्वेज में, वैसे एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट्स में आता है इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ी, सेल्फ सफिशियंसी, पहले बाहर से खाने की चीजें मंगवानी पड़ती थी, खाद्य पदार्थ मंगवाने पड़ते थे, अब हम सेल्फ सफिशियंट हो गए। अवेलेबिलिटी, हर एक टाइम खाना अवेलेबल है, स्टोरेज फैसिलिटीज, मार्केटिंग फैसिलिटीज, सब कुछ अच्छा हो गया था। बेनिफिट्स टू फार्मर्स, अब जब प्रोडक्शन अच्छी होगी तो किसान को इनकम भी तो अच्छी आएगी ना। एग्रो इंडस्ट्रीज, अब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की जो है डेवलपमेंट हुई, जैसे कि फर्टिलाइजर्स के लिए बन गई, बहुत सारी तरह के फर्टिलाइजर्स मिलने लगे, पेस्टिसाइड्स मिलने लगे, तो इस तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की भी डेवलपमेंट हुई। एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली जॉब्स मिली लोगों को, है ना। चलिए, अब आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया है। अब हम आगे चलते हैं एंड सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ये है क्या। ठीक है, क्यों आया सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी हरित क्रांति चल रही थी, तो देखते हैं। Now the call for it was given by the then Prime Minister Manmohan Singh at the 93rd Science Conference in 2006. तो 2006 में जो 93rd साइंस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये आइडिया दिया कि अब हमें सेकंड हरित क्रांति लानी चाहिए। एम क्या था, क्यों लानी चाहिए, टू ब्रिज द रीजनल एंड क्रॉप इम्बेलेंस। अब आप इस चीज को ध्यान नहीं दिया किसी ने कि जो ये हम पढ़ रहे हैं ना ग्रीन रेवोल्यूशन, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फूड ग्रेन से रिलेटेड है, मेनली जो है वीट है, बाले है, और इनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो बाकी जो क्रॉप्स थी उन पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का बोलने का मतलब ये था कि जो क्रॉप्स हैं बाकी उन पे भी फोकस किया जाए, प्लस रीजनल इम्बेलेंस। अब आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए या हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो ऐसी जगहें जहां पे पानी कम है वहां पे भी इस चीज का फोकस नहीं किया गया कि कैसे जो है वहां पे एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए। तो मेनली जो ये रीजनल एंड क्रॉप इम्बेलेंस क्रिएट हो गया था, इस चीज को कवर अप करने के लिए आया सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, विच वर नॉट एड्रेस्ड बाय फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। यस, ये चीजें जो है फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में नहीं कवर की गई थी। ठीक है, अब ये चीज जो है, ये जो कंसेप्ट है ना, हमारा गांधियन अप्रोच से भी रिलेटेड है, ऑफ इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी बाय इन्वॉल्विंग द पुअर इन डेवलपमेंट, कि अगर विकास करना है ना तो ऐसा नहीं कि रिच लोग अमीर हो रहे हैं तब देश का विकास नहीं होगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको भी अपनी प्रोस्पेरिटी के कंसेप्ट में, अपने अमीरी में, अपने जो इम्प्रूव आपको जो डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रही है देश की, उसमें उनको भी इन्वॉल्व करो। ठीक है, ये गांधी जी की अप्रोच थी, यही चीज यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कंसेप्ट पकड़ा और उन्होंने फिर जो है ये सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडिया दिया। Also seeks to cover dryland farming, तो बात वही है, रीजनल ड्राईलैंड के जो सूखे एरियाज थे वहां पे नहीं हो सकता था ये हाई यील्डिंग वैरायटी, क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा चाहिए तो इन सीड्स को यूज नहीं कर सकते थे, तो अब यहां पे ये हुआ कि अब ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए भी कुछ किया जाए। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना मैंने पढ़ाया ये तो इतना तो इंपॉर्टेंट है, इतना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, है ना, कभी इंटरव्यू में पूछ लिया कुछ हुआ तो समझ तो होनी चाहिए। अब
सेकेंड ग्रेन रेवोल्यूशन हो गया, इसके बहुत ज्यादा फीचर्स हमें नहीं पढ़ने होते हैं, ठीक है, इतना इनफ है। अब लास्ट आ जाता है हमारा एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन सदाबहार है ना, तो अब सदाबहार बनाना है इस क्रांति को, ये कंसेप्ट है। नाउ दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय रिनाउंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, साइंटिस्ट रहे एग्रीकल्चर फील्ड के, इन्होंने कंसेप्ट दिया एवरग्रीन रेवोल्यूशन का। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का किसने दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। और जो सिंपल ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका किसने दिया? नॉर्मन बॉरलॉग ने। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, एग्जामिनर घुमा फिरा के डालेगा, आपको ध्यान रखना है। नाउ कोर, अब फोकस क्या था, क्यों आया एवरग्रीन रेवोल्यूशन? जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लिया, हमने सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लिया, तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन की क्या जरूरत है? कोर टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन करना है चीजों को। ऐसा नहीं कि जिस टाइम पे क्रांति आती है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर ली, उसके बाद सब कुछ काम ठप हो गया, नहीं। सस्टेन करके रखो, मेंटेन करके रखो उस क्रॉप प्रोडक्शन जो हो रही है उसको, ताकि अपना यूज हो रहा है ठीक है बढ़िया आराम से, और उसके बाद एक्सपोर्ट भी कर सके, ठीक है। अब यहां पे फोकस गया है आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड ग्रीन एग्रीकल्चर पे। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन में अच्छे सीड्स यूज कर लिए, अच्छे पेस्टिसाइड्स, अच्छा सब कुछ यूज कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है ऑर्गेनिक। क्या होता है कि जो एनिमल वेस्ट है, प्लांट्स का वेस्ट है या फिर कोई और वेस्ट है, तो उसके थ्रू हम उसको हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकें, ठीक है। तो ग्रीन एग्रीकल्चर भी सेम चीज है, तो इन चीजों का फिर जो है फोकस बढ़ा विद द हेल्प ऑफ। अब कैसे इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, ठीक है। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको प्रोवाइड करवाइए थोड़ा लोकल वे में, है ना, केमिकल वाली चीजें ना यूज करें। और जो पेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो वही कीट पतंग इंसेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए जो है कुछ करें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चर। तो इंडेक्स आपके सामने है कि इसके अंडर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाइट रेवोल्यूशन एंड फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। सिर्फ ये दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अब आप सोचेंगे इससे पहले वाले तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, कलर्ड रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर, उसके बेसिक फैक्ट्स, उनका रिलेशन फाइव ईयर प्लान से। तो ये वाला पार्ट हम यहां तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के पार्ट में हम इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, राइट। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। व्हाइट रेवोल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट इसके अंडर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड इट विद द मोटिव ऑफ इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सफेद क्रांति को स्टार्ट किया था और मोटिव रखा था कि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज किया जा सके, ठीक है, एंड टू मेक इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, ताकि जो इंडिया है उसको दुनिया में एक ऐसी कंट्री बनाया जा सके जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हो। अब टारगेट ये रखा गया था एंड हेंस ये अचीव भी हुआ है, बिकॉज टूडे इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। आज के डेट में जो इंडिया है दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है, राइट। अब देखिए फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर इंडिया में कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो देखिए वर्ल्ड यानी इंटरनेशनल लेवल पे तो नॉर्मन बॉरलॉग हैं, लेकिन इंडियन लेवल पे एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है, ठीक है। अब जो व्हाइट रेवोल्यूशन था, इट वॉज स्टार्टेड इन 1970 में ये स्टार्ट हुआ। एम्ड टू क्रिएट नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, इसका टारगेट था कि नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे मिल्क ग्रिड बनाया जाए। अब ये नेशन वाइड मिल्क ग्रिड है क्या, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिए। लिंकिंग मिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंडिया डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, रिड्यूसिंग सीजनल एंड रीजनल प्राइस वेरिएशंस, एंश्योरिंग दैट प्रोड्यूसर्स गेट देयर फेयर मार्केट प्राइस। तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो जैसे दूध उत्पादक होते हैं ना, जो गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पशुओं को पालते हैं, वही दूध प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, तो वो जो लोग हैं उनको डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ डील करवाना, बीच में कोई बिचौलिया मीडिएटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिएटर क्या करते हैं, बहुत कम रेट पे लेते हैं और आगे बहुत ज्यादा रेट पे बेच देते हैं। तो मिल्क प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करवाना, उनको लिंक मिलाना, ताकि वो सही प्राइस पे उनको बेच सके। ये जो सीजनल और रीजनल प्राइस वेरिएशन इनको कम करना, आप देखेंगे ना कि जो प्लेन एरियाज है वहां पे काफी सस्ता मिलता है दूध, और जो ये हाई या माउंटेनियस एरियाज है यहाँ पे दूध की वैल्यू 7-8 रुपए तो बढ़ी जाती है पहुंचते पहुंचते, है ना, पैकेट्स जो होते हैं उनकी। तो ये जो सीजनल एंड रीजनल प्राइस वेरिएशन है इनको कम करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग दैट प्रोड्यूसर्स गेट फेयर मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है तो सही प्राइस जो है प्रोड्यूसर्स को मिले, ताकि उनकी मेहनत रंग लाए, थोड़ा पैसा उनको बने, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है 1964-65। अब देखिए मैंने हर एक एस्पेक्ट यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड कवर किया है, राइट। तो अब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा प्यार दें, राइट।
चलिए 1964-65 की हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, ठीक है, जो कि बाद में चल के एनडीडीबी बना। एनडीडीबी स्टैंड्स फॉर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है वो जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपको पता लगता रहेगा। सो 1964-65 में एक प्रोग्राम था, उसको बाद में चेंज करके प्रॉपर बोर्ड बना दिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और इसी बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया ऑपरेशन फ्लड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। अब देखिए, हम ऑपरेशन फ्लड पढ़ते हैं, हम व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो जो ऑपरेशन फ्लड था ये इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया था मिल्क प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए, है ना, इंक्रीज करने के लिए स्पीड को, तो एनडीडीबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस बोर्ड के बारे में पढ़े तो याद आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, प्लस मेन ऑफिस इसका आनंद गुजरात में है। इसके फाउंडर डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। इसके फाउंडर वही हैं जो कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहे जाते हैं। और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ही इज ऑल्सो नोन एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ये कैसे, जो सफेद क्रांति है इसने कैसे रफ्तार पकड़ी, तो कुछ फीचर्स इसके बारे में हम देखते हैं। बट उससे पहले आप मुझे जरा पेज एडजस्ट करने दें। यस, तो हम फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट आता है, दो फीचर्स लिखे हैं। फर्स्ट है अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के नए नए मेथड्स को अपनाएं जो ट्रेडिशनल चीजें उन्हें भूल जाएं, है ना। तो भी एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल फीचर समझिए। सेकेंड है ऑल्टरिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ फीड इंग्रेडिएंट्स। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहती हैं जहां पे एनिमल्स या पशुपालन होता है तो आपको पता होगा उनको फीड भी दी जाती है ना, तो ये जो फीड इंग्रेडिएंट्स हैं इनका कॉम्पोजिशन इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, मतलब चेंज किया जाए, ठीक है, जिससे कि हमें वो उनके मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो, ये इसका टारगेट था। अब थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाइट रेवोल्यूशन है क्या, तो आप पूरी ये थोड़ी बताएंगे नॉर्मल, आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे दैट व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेट्स टू फिनोमिनल ग्रोथ इन मिल्क प्रोडक्शन। जो दूध उत्पादन है उसमें ग्रोथ को बढ़ाना है, उससे संबंधित था सफेद क्रांति, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था एनिमल हस्बेंड्री, हमने फीचर पढ़ा अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब ये एनिमल हस्बेंड्री क्या है, अब हम ये देखेंगे, ठीक है जी। तो एनिमल हस्बेंड्री है, इट रेफर्स टू लाइफ स्टॉक रेजिंग एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग करवानी इस तरह से कि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो, लाइफ स्टॉक होते हैं पशु तो उनका पशुपालन करना, एंड इट इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल्स इन विच द जेनेटिक क्वालिटीज आर फर्दर डेवलप्ड फॉर प्रॉफिट। इसमें जो पशु है उनको मतलब पाला जाता है, उनको मैनेज किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, प्लस जो उनकी जेनेटिक क्वालिटीज है उनको डेवलप किया जाता है ताकि ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सके। Yes, and a large number of farmers depend upon animal husbandry for their livelihood. बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो animal husbandry पे ही dependent है उनकी livelihood के लिए, उनकी genetic qualities को alter कर देते हैं, selective breeding करवाते हैं, पशुओं को पालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, management करते हैं, काफी काम होता है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखिए, हमारा टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक तो हो गया हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन और दूसरा हो गया हमारा फिशरी सेक्टर्स इन इंडिया, राइट। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। अब हमें पढ़ना है फिशरी सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट इसके अंडर आता है सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, है ना। सो इंडिया जो है पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है फिश प्रोडक्शन में, राइट। अब फिशरीज एंड एक्वा कल्चर जो है ये दोनों मिलकर बनते हैं इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर फूड प्रोडक्शन, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन इंडिया। अब अगर आप ध्यान देखें इंडिया के मैप के ओर देखें तो जो नॉर्थ पार्ट है वहां पे तो माउंटेन्स हैं, तो वहां पे तो इतनी फिशिंग का ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो हमारा सदर्न इंडिया है वो कोस्ट लाइन है पूरा, है ना। हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में जो कोस्ट लाइन है वो 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो हमारी कोस्ट लाइन काफी ज्यादा है। कोस्ट लाइन का मतलब है ऐसी लैंड जो समुद्रों से डायरेक्टली लगती है। अब वहां पे फिशिंग जो है मछुआरों के लिए वो भी बेटर ऑप्शन है, तो वहां पे वो फिशिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो अब फिशेज का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि देखिए बहुत सारे, एक तो हम एक्वेरियम में रखते हैं तो एज अ म्यूजियम में वहां से पैसा बनता है, फूड प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, जो साउथ में है वहां पे सी फूड बहुत चलता है तो उसमें खाने में काम आते हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारे लोग इस काम में जुड़े होते हैं मछली पालन में, मछुआरे बने होते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है इतनी सारी चीजों का, क्या, फिशरीज। अब यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया फिशरीज प्लस एक्वाकल्चर। फिशरीज तो हो गया जो मछुआरों का काम होता है, मछली पकड़ना और उसको काटना, उसको बेचना, खाने में काम आना, लेकिन एक्वाकल्चर क्या होता है।
देखिए एक्वाकल्चर है, कंट्रोल्ड कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज फिश. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं. ठीक है, तो उनको प्रॉपर तरह से कल्टीवेट करना, उनको कंट्रोल, उनके मैनेजमेंट करना इन कंट्रोल्ड एक्वेटिक एनवायरमेंट. एक कंट्रोल्ड एक्वेटिक एनवायरमेंट में मतलब कि आप अपना फिश टैंक बड़ा सा बना सकते हैं, उसमें उनके मैनेजमेंट कर सकते हैं फॉर कमर्शियल, रिक्रिएशनल और पब्लिक पर्पज. कमर्शियल व्यापार के लिए, रिक्रिएट करने के लिए लोगों से आपको इनकम हो सकती है. तो बहुत सारे इसके मेथड्स हैं. ठीक है, अब देखिए मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत है, बट एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि कहीं पर अगर आपको मेंस में आ जाता है तो आप कुछ तो लिख पाएं, है ना. बाकी तो सारे शब्दों का खेल है, किस तरह से आप अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हो उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट आता है मेजर सोर्स फॉर लिवलीहुड. अब ये लोगों के जीवन जीने का भी एक मेजर सोर्स है. फॉर मोर देन 20 मिलियन फिशर्स प्लस फिश फार्मर्स. फिशर्स यानी जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, तो 20 मिलियन से ज्यादा मछुआरे जो है इसे अपना एज अ इनकम सोर्स, एज अ मेन सोर्स फॉर लिवलीहुड कंसिडर करते हैं. एंड फिशरीज सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 1.75 ट्रिलियन इन इंडियन रूपी टू इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा है फिशरीज सेक्टर का. मेजर एक्सपोर्ट अर्नर. अब इतनी ज्यादा कोस्ट लाइन है, फिशरीज हैं, तो अगर सरप्लस अमाउंट कोई होता है तो हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से भी तो पैसा आता है ना. नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन. तो मैंने आपको कलर्ड रेवोल्यूशन पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में. हमने पिंक रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ट्राई कलर रेवोल्यूशन, काफी कुछ पढ़ा था. तो वहां पे हमने ब्लू रेवोल्यूशन भी पढ़ा था, जिसे कि नील क्रांति मिशन भी कहते हैं. क्या टारगेट था इसका? इट हैड द विजन टू अचीव इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द फिशर्स एंड फार्मर्स. जो किसान हैं, मछुआरे हैं, उनकी प्रोस्पेरिटी, उनको ज्यादा प्रोस्पेरस कर सकें, उनको ज्यादा तरीके बताएं कि कैसे आप अपना काम बढ़ा सकते हैं. तो उस टाइम पे 3000 रुपए करोड़ इन्वेस्टमेंट की गई थी. यहाँ पे करोड़ लिखना छूट गया है, अभी की बात नहीं हो रही है, उस टाइम की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्रिएटिव होने की मैंने कोशिश की है बट हो नहीं पाई. सो इंडिया की कोस्ट लाइन ही तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कितनी है, एग्जैक्टली कितनी है वो मैंने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया है. ठीक है जी, तो अब देखिए इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट हुआ कंप्लीट. आज हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चर. यहाँ पे आपके सामने इंडेक्स है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. आज का हमारा टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एंड पीडीएस. तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरी सीरीज में. इसमें हम बफर स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इश्यू प्राइस क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया में फूड सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, 3 A's क्या है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है. ठीक है, तो वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूव होंगे. देखिए सबसे पहले मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देती हूँ कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का मतलब क्या है, 3 A's क्या आते हैं इसके अंदर, वाई फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्या है, किसी भी कंट्री को फूड सिक्योर क्यों बनना है. उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें कि मेनली 2 components आते हैं, बफर स्टॉक एंड पीडीएस. दोनों के बारे में पढ़ेंगे. बफर स्टॉक को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एज MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड IP, इश्यू प्राइस. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि MSP क्या है, IP क्या है, FCI क्या है, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं, कब इसकी फॉर्मेशन हुई, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है. फिर हम थोड़ा सा रिविजन करेंगे कि हमने पढ़ा क्या है. जैसे कि हम फूड सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने बफर स्टॉक जाना, PDS जाना, तो यहाँ पे बफर स्टॉक के बारे में पढ़ लिया, PDS के बारे में पढ़ लिया, तो ये सब हमारा आज का टॉपिक है. ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. अब देखिए इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी है वो 3 A's पे डिपेंडेंट है. ये 3 A's क्या है, यही डिफाइन करती हैं कि फूड सिक्योरिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है. नाउ 3 A's ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले 3 A's को डिस्कस करते हैं. अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. अगर ये 3 चीज़ें कवर अप हो रही हैं किसी भी कंट्री में फूड से रिलेटेड, मतलब वो कंट्री फूड सिक्योर है. अवेलेबिलिटी का मतलब होता है फूड प्रोडक्शन, फूड इम्पोर्ट. अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हमारे अपने ही देश में इतनी फूड प्रोडक्शन हो रही है कि हर एक इंसान का पेट भर रहा है, प्लस सरप्लस अमाउंट हो रहा है, तो हम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, और इवन करते भी हैं. बहुत सारे ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है, हाँ कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम इम्पोर्ट करते हैं, है ना. तो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि सभी के लिए अवेलेबल हो चीजें, फूड सभी के लिए अवेलेबल है. ठीक है, नेक्स्ट आता है एसेसिबिलिटी. एसेसिबिलिटी का मतलब होता है, इट मींस फूड इज इन रीच ऑफ एवरी पर्सन. हर एक इंसान की इतनी पहुंच होनी चाहिए कि वो खाना ले सके, फूड ग्रेन्स ले सके. अब इसका मतलब क्या है कि कोई बहुत ही मान लीजिए बैकवर्ड इलाके में रहता है, ग्रामीण इलाके में रहता है, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे भी वहां भी फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाने. ठीक है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अब एसेसिबिलिटी हो गया कि हर एक इंसान के पास एक्सेस है
कि वो जाकर अपने खाना ले सकता है, फूड ले सकता है, खरीद सकता है। एंड अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी का देखिए इन शॉर्ट मतलब है कि उसमें इतनी क्षमता है कि वो अच्छी क्वालिटी का खाना परचेज कर सके, वो इतने पैसे कमाता हो। ठीक है, इट मीन्स दैट एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटरी नीड्स। इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल के पास इतनी कैपेबिलिटी, इतने पैसे, इतना अमाउंट होना चाहिए कि वो पूरा पेट भर के सेफ और अच्छा खाना खरीद सके। ठीक है, अवेलेबिलिटी की सबसे पहले सरकार का काम है कि फूड अवेलेबल तो हो, एक्सेसिबिलिटी की हर एक इंसान तक उसकी पहुंच तो हो, देन अफोर्डेबिलिटी की हर एक इंसान के पास इतना पैसा हो कि वो उसे परचेज कर सके। अगर ये थ्री एज किसी भी कंट्री के अंडर फॉलो होती हैं फूड से रिलेटेड, इट मीन्स कि वो कंट्री फूड सिक्योर है। अब हमें चाहिए फूड सिक्योरिटी हर एक कंट्री में, देन वाई, क्यों हमें फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, क्यों हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए, तो इसको भी देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए फूड सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल कैलिमिटी आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। ठीक है, तो अब जब प्राकृतिक आपदा आ जाएगी देन प्रोडक्शन गेट्स डिक्रीज, तो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। अब जब कोई चीज़ कम होती है, शॉर्टेज होती है किसी चीज़ की, तो उसके प्राइसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। अब जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, जो गरीब लोग हैं, आम आदमी है, मिडिल क्लास मैन है, वो तो नहीं परचेज कर सकता है ना। सो पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय, अब जो लोग हैं वो उसे परचेज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए चाहिए हमें फूड सिक्योरिटी। चलिए दूसरी कंडीशन आ जाती है कि नेचुरल कैलिमिटी आ गई। ठीक है, हमने पहले ज्यूम किया कि थोड़े से एरिया में आई है, जैसे यूपी में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में आ गई है ना, लेकिन अब अगर हम एज्यूम करते हैं कि वाइड स्प्रेड एरिया, 4-5 स्टेट्स उसे कवर हो रही हैं या उससे ज्यादा स्टेट्स कवर हो रही हैं, प्लस लॉन्गर पीरियड और बहुत टाइम के लिए वो प्राकृतिक आपदा चल रही है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फूड प्रोडक्शन तो आप भूल ही जाओ, वो तो बहुत ही कम हो जाएगी, बट सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन मतलब लोग तरसेंगे खाने के लिए, ऐसी वाली एक सिचुएशन आ जाएगी। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि खाना है ही नहीं और लोग तरस रहे हैं खाने के लिए, तो क्या करेंगे, वो कंटेमिनेटेड वाटर, डिकेइंग फूड, फूड सड़गल रहा है, थोड़ा पुराना हो गया है, कूड़े पड़ा है, खा लेंगे, पानी गंदा है, पी लेंगे, तो इससे क्या है, फेमिन यानी कि अकाल की एक सिचुएशन अराइज हो सकती है जिसमें वाइड स्प्रेड बहुत सारी डेथ हो सकती है। तो अब ऐसे केस में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फूड सिक्योरिटी, क्योंकि नेचुरल कैलिमिटी आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे सुनामी आ गई, तो उससे प्रभावित जो लोग हैं उनका तो घर परिवार सब चला जाता है ना, तो इस केस में उनको प्रॉपर खाना प्रोवाइड करवाया जा सके, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंसान के पास खाना हो, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फिर बाकी सब चीज़ें तो हो जाती हैं। तो अब फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड होना इस टाइम पे ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि बफर स्टॉक होना चाहिए, ये होना चाहिए। बफर स्टॉक का क्या कंसेप्ट है, अब देखिए ये जो दो हमारे थे ना टॉपिक्स, ये थे अंडरस्टैंडिंग के, अब आ गया हमारा वो टॉपिक जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है एग्जाम में। ठीक है, तो लेट मी एडजस्ट द पेज फर्स्ट। ओके, तो अब देखिए ये टॉपिक्स ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कवर करना। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हैज बीन एंश्योर्ड विद अ केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। अब जो भारत सरकार है उनका पहला काम ये है, तुमने थ्री एज में क्या पढ़ा, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। पहला है अवेलेबिलिटी, कि पहले खाना अवेलेबल तो हो, खरीदना ना खरीदना बाद की बात है। तो अब सरकार का काम है कि हर एक इंसान को अवेलेबल हो फूड, बहुत सारे अमाउंट में अवेलेबल हो, ताकि लोग आराम से अपनी पसंद का खरीद सकें। तो अब इस प्रोसेस को, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए या फिर फूड को मेंटेन रखने के लिए, स्टॉक में रखने के लिए आया हमारे पास फूड सिक्योरिटी सिस्टम। अब ये जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है इसके दो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं, कौन कौन से, एक है बफर स्टॉक और एक है पीडीएस। नाउ पीडीएस स्टैंड्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम नेक्स्ट पेज पे कवर करेंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि बफर स्टॉक है क्या, मतलब पहले हमें बफर स्टॉक के बारे में पढ़ना है। तो बफर स्टॉक मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे घर पे हम सामान लाते हैं ना, तो हम आटा चावल लाते हैं, तो क्या हम इतना ही आटा लाते हैं कि आज का खाना बने या कल की चपातियां बने, नहीं, हम स्टॉक ले आते हैं एक महीने का या 15-20 दिन का। हम दालों के पैकेट लाते हैं तो क्या करते हैं, हम क्या एक ही पैकेट लाते हैं कि एक ही पैकेट खाना है, नहीं, हम 3-4 पैकेट लाते हैं। जैसे एक दाल है तो उसके हम 2 पैकेट ले आएंगे, दूसरे के 2, अब नंबर ऑफ पर्सन पर डिपेंड करता है। तो हम एटलीस्ट एक महीने का स्टॉक रखते हैं ना घर में कि बार बार कौन जाएगा। तो अब ये थोड़ा स्टोरेज से रिलेटेड है बफर स्टॉक, दैट स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स मेनली वीट एंड राइस, जो वीट एंड राइस होते हैं इसका स्टॉक मेंटेन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, स्टोर किया जाता है, स्टोरेज रखी जाती है। ठीक है, प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू FCI।
अब FCI एक नई टर्म आ रही है बफर स्टॉक के अंडर, ये भी हम पढ़ेंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे कि इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, फॉर्मेशन क्या है। फिलहाल इसका काम देख लेते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। अब भारत सरकार के बिहाफ पे जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सरकारी कंपनी है, तो ये क्या करती है, प्रोक्योर करती है फूड, यानी जो किसान होते हैं, ठीक है, वो किसान फ्रॉम द फार्मर्स वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। बफर स्टॉक क्या होता है, अब किसान क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, तो कुछ के पास थोड़ी ही जो प्रोडक्शन है, कुछ के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, तो वो किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, उनसे भारत सरकार FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो अनाज है वो प्रोक्योर कर लेती है अपने स्टोरेज हाउसेस के लिए, ठीक है, ताकि वहां पे इस तरह की जैसे नेचुरल कैलिमिटी आ गई या कुछ भी हो गया तो उस केस में खाना जो है सुरक्षित रखा जा सके और बाद में लोगों को बांटा जा सके, राइट। अब जो खाना लेते हैं किसानों से, लोगों को देते हैं, तो किस रेट पे देते हैं, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। तो उसके लिए दो टर्म्स यहाँ पे आती हैं, MSP एंड IP। हेयर MSP स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड IP स्टैंड्स फॉर इशू प्राइस। आई होप आपको बफर स्टॉक समझ में आया। किसानों के पास सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है, उन किसानों से भारत सरकार जो है अनाज को खरीद लेता है थ्रू FCI। अब उस अनाज को स्टोर किया जाता है, आगे क्या है वो आप छोड़िए, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, MSP एंड IP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इशू प्राइस, जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। FCI भी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे और PDS तो फिर हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे, राइट। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। सो आज की वीडियो आई नो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, राइट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फूड सिक्योरिटी सिस्टम। उसमें हमने दो कंपोनेंट्स जाने थे, PDS एंड बफर स्टॉक। तो PDS तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसे आप भूल जाइए। फिलहाल हम बफर स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्टोरेज रखी है गवर्नमेंट ने खाने की, फूड ग्रेन्स की, स्पेशली व्हीट एंड राइस की। अब उसके अंदर हमने पढ़ा कि MSP एंड IP का कुछ लेना देना है, तो क्या है, देखिए बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। MSP स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, इस टर्म का मीनिंग वो हम लास्ट में समझेंगे जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, ठीक है, तब समझ आएगा। सो ध्यान से सुनिए, MSP is declared by government every year before the sowing season to provide insurance to farmers for raising the production of these crops. Pre-announced price for the crops of farmers. अब किसान क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फसलें उगाते हैं, गेहूं, चावल, इस तरह से अलग अलग चीजों की प्रोडक्शन होती है। अब जो भारत सरकार है उसका काम है कि ना किसान भूखा मरे, ना जो कंज्यूमर्स हैं वो भूखे मरे। तो अब भारत सरकार क्या करती है, जो किसान है, अभी उन्होंने बिजाई नहीं की है, उनका सोइंग सीजन नहीं आया है, उससे पहले ही जो भी एक 25 फसलों की लिस्ट होती है, 25 फसलें क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, एक लिस्ट होती है फसलों की, क्रॉप्स की, तो उनका प्राइस पहले ही डिसाइड कर देती है, पहले ही अनाउंस कर देती है, ताकि जो किसान है उनको श्योरिटी हो जाए कि अगर उनका सामान नहीं बिकता है, मान लीजिए चावल नहीं बिकते हैं उस साल या गेहूं नहीं बिकता है उस साल, तो किसानों को तो घाटा हो जाएगा, वो थोड़ी सारी गेहूं खुद खाएंगे, अपने रिश्तेदारों को खिलाएंगे, है ना, क्योंकि खेतों में थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन में तो बहुत मतलब हायर स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। तो इस केस में किसानों को इंश्योरिटी दी जाती है कि अगर आपका सामान बाहर कहीं नहीं बिकता है तो इस प्राइस पे, जो कि होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पे हम यानी कि भारत सरकार आपका सारे प्रोडक्शन खरीद लेगी। तो इससे किसानों को श्योरिटी है कि अब मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, इतना मुझे प्रॉफिट होगा, अगर कहीं और महंगा नहीं बिकता है तो इस प्राइस पे, थोड़ा मिनिमम मतलब नॉर्मल प्राइस होता है, मार्केट में वो हायर रेट पे बेचते हैं किसान, लेकिन अगर हायर रेट पे नहीं बिका, किसी ने नहीं खरीदा फिर, तो वो उस केस में भारत सरकार को बेच के फिर भी थोड़ा बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बाहर अगर 40 रुपए का बिक रहा है फॉर एग्जांपल कोई चीज, तो इनका रेट होगा 36 रुपए भारत सरकार का, और उनका खर्चा कितना हुआ होगा, 25 रुपए का, तो इतना जो 10-20 रुपए है वो बचा लेंगे, मतलब ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। तो MSP क्या हुआ, प्री अनाउंस प्राइस, जो फसलें होती हैं फार्मर्स की, है ना, जो क्रॉप्स होती हैं उसके लिए पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है प्राइस, ताकि फिर फार्मर्स जो है वो निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें लॉस नहीं होगा, ठीक है जी। MSP समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 25 फसलों का कुछ जिक्र किया, तो वो क्या था, देखिए हमारा एक कमीशन है CACP, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो वो क्या करता है, सिर्फ 25 फसलों के MSP जो है डिसाइड करता है, हर एक फसल की नहीं करता, ऑनली 25 क्रॉप्स के MSP डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, MSP हमारा हो गया। अब इस टाइम पे क्या किया है, भारत सरकार ने किसान से खरीद लिया है अनाज को, और उन्हें मुनाफा भी हो गया है, सरकार ने अपने स्टोरेज भी कर लिए। अब आता है IP यानी कि इशू प्राइस। अब खरीद लिया है तो लोगों में भी तो बांटेंगे ना, वहां पे स्टोरेज हाउसेस में थोड़ी रखेंगे,
अब ध्यान से सुनिए, इश्यू प्राइस होता है कि जो गरीब लोग हैं ना उनको खाना प्रोवाइड करवाना है कम रेट पे, वो प्राइस होता है इश्यू प्राइस। थोड़ा सा इसको ध्यान से बुकिश वे में पढ़ती हैं। सो इट इज़ अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। अब देखिए, मार्केट में कोई चीज़ 20 रुपए की मिल रही है तो गरीब आदमी अगर उसको नहीं अफोर्ड कर सकता या जो भी रीजन्स हैं, जो इशू प्राइस है ये हमेशा मार्केट प्राइस से कम होता है। अगर मार्केट में 20 रुपए है तो ये 15 रुपए होगा, मार्केट में 50 रुपए है तो ये 40 रुपए होगा। इस तरह से हमेशा कम होता है मार्केट प्राइस से इशू प्राइस। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पहले डेफिनेशन से देख लेते हैं। सो बफर स्टॉक इज क्रिएटेड टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरियाज एंड अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बफर स्टॉक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बफर स्टॉक में ही पढ़ रहे हैं ना हम आके MSP एंड IP। तो अब क्या होता है, बफर स्टॉक को हम क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि जो फूड ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, उनको जो गरीब लोग हैं प्लस जो ऐसे एरियाज हैं जहां पे फूड ग्रेन्स कम होते हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, ये जो है मेनली पूरा जो सेक्शन होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है जी, तो अब उसमें जो प्राइस हम फिक्स करते हैं, यानी जो हम नहीं भारत सरकार फिक्स करती है, वो होता है इशू प्राइस। ठीक है, एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस, ये लाइन आपने याद रखनी है, मार्केट प्राइस से कम रेट पे मिलता है यहाँ पे इशू प्राइस में, है ना। चलिए, आई होप आपको MSP IP क्या है समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी, अब हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमने FCI के बारे में पढ़ना है, जो कि हमने पहले कवर किया। हमने क्या जाना कि सरकार, अब भारत सरकार में मिनिस्टर्स थोड़ी जाएंगे वहां पे अनाज खरीदने, उसके लिए कॉरपोरेशन बनाइए, ये कॉरपोरेशन सारा काम हैंडल करेगी सरकार के बिहाफ पे। उस कॉरपोरेशन का नाम है FCI, विच स्टैंड्स फॉर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इट वॉज फॉर्म्ड बाय द इनेक्टमेंट ऑफ फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। 1964 में आया था फूड कॉरपोरेशन एक्ट, उसके अंडर ये बनी थी। सो फाइनली इसकी फॉर्मेशन 1965 में होती है 14 जनवरी को। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सो ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। सर्विस क्या प्रोवाइड करवाता है, एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया में फूड की श्योरिटी प्रोवाइड, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है कि कोई भूखा नहीं मरेगा, हमारे पास स्टोरेज है, तो अगर ऐसा कुछ सीन हो जाता है या जैसे कि नेचुरल कैलमिटी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हमारे पास इतना फूड स्टॉक है कि हम हर एक इंसान का पेट पाल सकते हैं। ठीक है जी, अब हमें आगे पढ़ना है PDS। तो अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे MSP, IP, बफर स्टॉक। हल्का सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमने पढ़ा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, हमने पढ़ा 3 A's के बारे में, हमने पढ़ा कि क्यों जरूरत है फूड सिक्योरिटी की, फिर हमने पढ़ा कि इस सबको मेंटेन रखने के लिए फूड सिक्योरिटी सिस्टम आया जिसके 2 components हैं, एक है बफर स्टॉक, एक है PDS। बफर स्टॉक में हमने 2 चीजें पढ़ी, MSP एंड IP, एंड देन कंप्लीट। अब हमें पढ़ना है PDS। तो देखिए, PDS में आप जैसे कि देख रहे होंगे बहुत ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंटेंट है वो हम देख लेते हैं, बट लेट मी एडजस्ट द पेज फर्स्टली। ओके, सो ये है हमारा PDS। PDS स्टैंड्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि राशन की दुकानें होती हैं हमारे, उन्हें सोसाइटीज कहते हैं, राशन की दुकानें, तो वहां पे जो खाना मिलता है ना वो मिलता है अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ताकि लोगों को थोड़ा कम रेट पे खाना प्रोवाइड करवाया जा सके, जिससे वो ज्यादा क्वांटिटी में खाना ले सके। ठीक है, सो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। PDS स्टैंड्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, सो FCI कॉन्ट्रीब्यूट्स द फूड प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द फार्मर थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, किसानों से अनाज इकट्ठा कर लिया, स्टोरेज हाउसेज में रख लिया। अब वहीं रखे थोड़ी रखना है, हाँ हमें नेचुरल कैलमिटी के लिए बचा के रखना है, लेकिन हमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे लोग हैं गरीब लोग, उनको भी तो खाना टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो उस केस में क्या होता है, जो राशन की दुकानें बनी है, ठीक है, उनके थ्रू खाना लोगों में, यानी स्पेशली गरीब लोगों में कम रेट पे प्रोवाइड करवाया जाता है। इसी सिस्टम को हम PDS कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। और ये जो दुकानें होती हैं इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स। तो हम तो लोकल भाषा में बोलते हैं राशन की दुकान से राशन लाना है, सोसाइटी से राशन लाना है, बट यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं, जो क्या रखती हैं कि स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन शुगर एंड कैरोसिन, इस तरह की चीजें, खाने की चीजें वो वहां पे रखते हैं। ठीक है, नाउ अब ये जो PDS है ना, देखिए इसके बारे में इतना ही था, 1967 में ये लॉन्च किया गया था, आई थिंक वो पॉइंट रह गया यहाँ पे मेंशन करना। सो उसके बाद क्या होता है, रिवैम्प्ड PDS आता है, RPDS आता है। रिवैम्प्ड मतलब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई, चेंजिंग हुई उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसके बाद ये RPDS बन गया 1992 में, राइट। फिर आता है टारगेटेड PDS। अब टारगेटेड मतलब टारगेट करना किसी को, है ना, तो किसको टारगेट किया जाता था, पुअर इन ऑल एरियाज, हर एक क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उन्हें टारगेट किया जाता था। ये बन गया TPDS 1997 में, ये आया था। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है कि PDS कब आया, 1967, RPDS 1992, TPDS 1997।
एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. अपने देश में फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है. ठीक है जी, अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के जो ये टॉपिक था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये हो गया कंप्लीट. देखिए मैंने कोशिश की है कि इजी से इजी वे में और बिल्कुल सिंपल फ्रेंडली लैंग्वेज में आपको समझा सकूं. फिर भी आपको कोई फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चर. तो देखिए काफी लंबा चौड़ा टॉपिक ये है, इसके अंडर बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं जिनके लिस्ट आपके सामने है. अभी तक हम पीडीएस तक पढ़ चुके हैं जो कि है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. आज हम सिर्फ और सिर्फ दो चीजें डिस्कस करेंगे जो कि है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड एपीपी एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी. तो वीडियो काफी ज्यादा शॉर्ट होगा. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, तो देखिए ये एक्ट नोटिफाई किया गया था 10 सितंबर 2013 में. ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बाय एंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू पीपल. देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पढ़ा था, तो उसमें हमने 3 A's का जिक्र किया था, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, राइट. तीनों मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं वहां पे जाकर देख सकते हैं. फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था. तो देखिए इन 3 A's को भी हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव था फूड सिक्योरिटी एक्ट का, क्योंकि यहाँ पे टारगेट था कि अच्छा खाना, अच्छे न्यूट्रिशनल वाला खाना लोगों को प्रोवाइड करवाना, वो इजीली एक्सेस कर सकें अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का फूड अफोर्डेबल रेट पे सभी के लिए. ठीक है जी, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कवरेज की, इस एक्ट की कवरेज कितनी थी, सो 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन प्लस अप टू 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, इतने एरिया को इन्होंने कवर किया हुआ था. सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, यानी सब्सिडाइज होता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट आपको उसमें वापस आ जाता है अकाउंट में. अगर आपने कभी सिलेंडर्स वगैरह यूज किया होगा आपको थोड़ा सा आइडिया होगा. तो फूड ग्रेन सब्सिडाइज रेट पे मिलेंगे अंडर TPDS. यह क्या है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तीनों चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूं, तो यहां पर हम ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे. नाउ ओवरऑल NFSA क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. सो इट कवर 67% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, आज की डेट में 67% जो है टोटल जनसंख्या का उसको ये कवर करती है. ठीक है, अब आगे चलते हैं एपीपी यानी कि एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी क्या है उसके बारे में जानते हैं. तो देखिए इसके अंडर ना एक टर्म आती है MSP, राइट. तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है. तो अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें देखना है कि एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी बोलती क्या है, क्योंकि एट द एंड ये MSP पे जाके ही रुकेगी. सो एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी में 2 पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, रटने वाला काम अभी बाद में आना है. ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में 2 पॉइंट्स, 2 फीचर्स आपको याद रखने हैं. दैट इट एम्स टू हेल्प फार्मर्स रिसीव फेयर प्राइजेस फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सो दैट दे कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर. इनका टारगेट ये है इस एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी के अंडर कि जो किसान होते हैं ना उनको एंश्योर करना, उनको गारंटी देना, उनको हेल्प करना कि आपको जो भी प्रोडक्शन होगी उसका प्रॉपर अमाउंट या कह लीजिए फेयर प्राइस मिलेगा. ठीक है, ताकि उन लोगों को मोटिवेशन रहे और वो खेती बाड़ी करते रहें, क्योंकि खेती बाड़ी नहीं करेंगे उनको कोई एंश्योरिटी नहीं होगी कि हमें प्राइस सही मिलेगा या नहीं, तो वो इधर उधर फिर अपना और जॉब ढूंढ सकते हैं. तो इससे हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है काफी उसको इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो पहली चीज तो फार्मर्स को टारगेट किया है कि उनको एंश्योर करवाना है कि उनको आपको अच्छा प्राइस मिलेगा सो दैट वो अपना एग्रीकल्चर का काम कंटिन्यू रखें. सेकेंड पॉइंट आता है सेफ गार्ड द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बाय मेकिंग फूड अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइसेस. अब जो खरीदने वाले हैं, खरीद करता है, उनके लिए क्या होगा, जो कंज्यूमर है उनके लिए ये सेफ गार्ड या फिर ये एंश्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी कि आपको खाना बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. अब किसानों को भी हमने गारंटी दे दी, जो दुकान में खरीदारी करने वाले आते हैं उनको, कंज्यूमर्स को भी गारंटी दे दी, तो अब इस चीज को हम कैसे कवर अप करेंगे. तो इसके लिए MSP सामने आया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब किसानों के लिए एक प्राइस है तो होता है, ये गारंटी होती है कि आप प्रोडक्शन करो, अगर आपका सामान कहीं नहीं बिकता है तो सरकार खरीद लेगी थ्रू FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. देखिए MSP के बारे में काफी ज्यादा मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के अंडर ये आता है तो हम यहाँ भी इसे डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं. तो एपीपी को अगर आपने इतने लंबा लंबा नहीं याद करना तो आप शॉर्ट में 3 पॉइंट्स के फॉर्म में याद कर सकते हैं. एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी क्या बोलती है, प्रोटेक्टिंग फार्मर्स इंटरेस्ट, जो किसान हैं उनके जो हित हैं उनकी सुरक्षा करना. सेकंड है मेंटेनिंग रीजनेबल प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स एज वेल, रीजनेबल प्राइसेस रखना
किसके लिए? किसानों के लिए और कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर्स को कम रेट में मिल जाएंगे, फार्मर्स को जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया है उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा ताकि थोड़ा प्रॉफिट कमा सकें। तो इस तरह से मेंटेन करना रीजनेबल प्राइसेस। थर्ड है टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। टारगेट यही है फर्स्ट वाले पॉइंट का या इस पॉइंट का कह लीजिए या इस पॉइंट का कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ती रहे, किसान भटके नहीं, कोई और जॉब नहीं ढूंढे, है ना। तो ये सारी कहानी आपकी MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आकर रुक जाती है। वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसके बारे में, बट यहाँ पे हल्के से 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मुझे मिले तो वो मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं। अगर आपने नहीं पुरानी वीडियो देखी है और आप इसी वीडियो पे अभी आए हैं तो MSP वाली वीडियो इंडियन इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी का हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट होगी, वहां पे जाकर देख सकते हैं। नाउ जो MSP है, ये जो आइडिया था, इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑन द कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP की रिकमेंडेशंस आई थी तो उसके ऊपर जो है ये MSP का जो कंसेप्ट है सामने आया था। सो इट अनाउंसेस फॉर 25 एग्रीकल्चर क्रॉप्स। 25 जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनके लिए MSP जो है वो डिसाइड किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। अब होता क्या है इसके अंदर कि जब बिजाई होनी है, ठीक है, फसलों की, तो उससे पहले ही हर एक फसल, नॉट हर एक बट जो 25 फसलें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, उनके लिए एक प्राइस सेट किया जाता है। किसानों को कहा जाता है कि आप अपनी फसलें आराम से बेचें, नहीं अगर बिकती हैं तो सरकार थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उन फसलों को खरीदेगी, ठीक है। तो वो जो प्राइस सेट किया जाता है कि ये प्राइस आपको मिलेगा मिलेगा, तो अब किसानों को गारंटी हो गई कि अगर बाहर बिकता है तो अच्छी बात है, प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर बाहर नहीं बिकता है तो सरकार तो हमसे खरीद ही लेगी, तो वो प्रोडक्शन करेंगे, उनको इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा, है ना। नाउ MSP यहाँ पे थोड़ा इजी वे में समझाया हुआ है कि MSP क्या है। MSP इज दैट प्राइस एट विच गवर्नमेंट इज रेडी टू परचेज द क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स डायरेक्टली इफ क्रॉप प्राइस फॉल बिलो MSP। MSP वो प्राइस है जिसमें सरकार तैयार बैठी है हर टाइम कि वो किसानों से खरीदारी कर लेगी खाने की, फसलों की, जो भी उनकी चीजें हैं, अगर प्राइस MSP से कम होता है, ठीक है। तो किसानों के लिए गारंटी है कि जब MSP पहले ही अनाउंस हो जाता है तो उनके लिए गारंटी है कि यस, अब जो है कम भी हो गया प्राइस तो हमें टेंशन की बात नहीं, क्योंकि सरकार तो खरीद ही लेगी, है ना। अब देखिए, हमने यहाँ पे बात की थी एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन CACP की, है ना, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की बात की थी। तो अब देखिए, एक्चुअल में था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ये था कमीशन का नाम 1965 में, फिर ये चेंज हुआ और बना कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस 1985 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं MSPs के जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं किए थे तो यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, बट ये काफी लेंथी टॉपिक है, काफी ज्यादा सब टॉपिक्स इसके अंडर आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते होंगे। तो इन सबको एक वीडियो के अंडर कवर करना टफ है, इसलिए मैंने इंडेक्स बनाया है, कुछ पार्ट्स में वीडियोज अपलोड कर रही हूँ। सो आज तक हम APP यानी कि एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी तक ये सारा कंटेंट पढ़ चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है एग्रीकल्चरल क्रेडिट के साथ, राइट। अब देखिए, ये हमारा कंप्लीट इंडेक्स है, यस, ये हमारा कंप्लीट इंडेक्स है। सो आज हमें पढ़ना है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड NCDC। अब आप सोचेंगे RRBs, NABARD, NIFT ये नहीं पढ़ना, तो देखिए ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट इन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज हमें एग्रीकल्चरल क्रेडिट, AIC एंड NCDC कवर करना है, ठीक है। तो काफी ज्यादा शॉर्ट हमारा आज का टॉपिक रहेगा, बहुत लेंथी नहीं है। फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर्स, वर्किंग एम, एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन जो है इस तरह का फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने मेन कंटेंट की ओर। एग्रीकल्चरल क्रेडिट अभी क्या होता है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम रिसोर्सेज आउटसाइड फार्म सेक्टर। देखिए, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाना, एक पैसा, एक अमाउंट प्रोवाइड करवाना फार्मर्स को, किसान को, ताकि वो प्रोडक्शन अपनी बढ़ा सकें, अच्छी क्वालिटी की चीजें अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकें। लेकिन ये फार्म सेक्टर के थ्रू नहीं दी जाती है, बाहर के कुछ सोर्सेज होते हैं वहां से दी जाती है। सिंपल भाषा में बोले तो खेती बाड़ी करनी है, पैसा चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, मशीनरीज चाहिए होती हैं, एटलीस्ट ट्रैक्टर वगैरह चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, है ना। तो अब उन सब चीजों के लिए पैसे प्रोवाइड करना काम जो है उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ठीक है। अब इसका जो सोर्स होता है, दैट इज यूज टू फाइनेंस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब यहां पे बात हो रही है कि जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू खेती बाड़ी करने के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो क्रेडिट है दो तरह का हो सकता है, या तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल या प्राइवेट क्रेडिट हो गया। अब देखिए, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक, अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका काम ही लेंडिंग है, ठीक है, वो अगर पैसा देते हैं खेती बाड़ी के लिए तो उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट।
जैसे नाबार्ड है, आरआरबीज हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉर्मल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो ये सारी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, मतलब एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है जो लेंडिंग का काम करती है। दूसरी तरह पे आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल या फिर कह लीजिए प्राइवेट क्रेडिट। तो ये है क्रेडिट अवेलेबल फ्रॉम, मतलब इसमें आता है वो पैसा जो कि मिलता है मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है, जैसे जमींदार टाइप होते हैं जो पैसा देते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब एक तरह से हम लोकल लेवल पे लेते हैं। ये है प्रॉपर हम तरीके से जो बैंक से पैसे लेंगे, है ना। तो अब एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है, खेतीबाड़ी के लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, या तो किसी इंस्टीट्यूशन से आएगा या किसी प्राइवेट पर्सन से आएगा, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखिए वीडियो काफी ज्यादा शॉर्ट है, बहुत लेंथी नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमें पढ़ना क्या है। तीन छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने थे, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, एआईसी एंड एनसीडीसी। अब देखिए उससे पहले हमें एलबीएस के बारे में जानना पड़ेगा कि ये है क्या। सो एलबीएस स्टैंड्स फॉर लीड बैंक स्कीम, एक स्कीम है बेस्ड ऑन एरिया अप्रोच। यहाँ पे था कि जो इंडिया है उसको कुछ एरियाज में डिवाइड किया गया, ठीक है, उसके हिसाब से लेंडिंग की जाती थी, तो ये एक एरिया बेस्ड अप्रोच है। लॉन्च की गई थी 1969 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर गिडगिल एंड नरसिम्हन कमेटी। ये एक्चुअल में डॉक्टर गिडगिल कमेटी है एंड नरसिम्हन कमेटी है, तो इनकी रिकमेंडेशन पे ये लॉन्च किया गया था 1969 में। इसमें क्या था, 14 नेशनलाइज बैंक्स प्लस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर अलॉटेड स्पेशल डिस्ट्रिक्ट एंड वर आस्क्ड टू प्ले द लीड रोल इन कोऑर्डिनेटिंग क्रेडिट डिप्लॉयमेंट। इसमें क्या था, जो नेशनलाइज बैंक्स थे उस टाइम पे 14, बाद में जो फिर हम अलग से बैंकिंग पढ़ेंगे वहां पे बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, फिलहाल इतना समझ लीजिए जो 14 नेशनलाइज बैंक्स थे प्लस कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, उनको थोड़ा थोड़ा एरिया एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है दिया गया, उसके अंडर उन्हें लीड रोल प्ले करना था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब क्रेडिट कैसे देना है सब कुछ मैनेजमेंट उनका काम था, ठीक है जी। अब ज्यादा नहीं इसमें पढ़ना कि स्कीम का फुल नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कब लॉन्च हुई, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई, क्या ये स्कीम बोलती है, दैट्स इट, ठीक है, इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आई होप आपको एग्रीकल्चरल क्रेडिट समझ आ गया हो, बहुत ही सिंपल है ना, इसमें ऐसा ज्यादा समझने वाला नहीं, एक बेसिक सी लाइन है, अगर उसे समझ ले तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एआईसी। एआईसी स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंश्योरेंस कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर, ये जो कंसेप्ट है ये आया था कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। 2002 में एक स्पेशलाइज्ड इंश्योरर, मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने वाला बना, ठीक है जी। अब देखिए हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके, न्यू दिल्ली में, ये सब याद नहीं रखना, बट फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, किस एक्ट के अंडर बना ये पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है ये पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, क्योंकि एआईसी एंड एनसीडीसी दोनों ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है लेकिन दोनों की ही मिनिस्ट्री डिफरेंट है, ठीक है। एम क्या था इसका, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द फेलियर ऑफ क्रॉप्स एट अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलिमिटी, पेस्ट और डिजीज। अगर किसानों ने जैसे खेती बाड़ी करती हैं, अगर उनके जो फसल है वो किसी प्राकृतिक आपदा या फिर कीट पतंगों का आक्रमण हो गया या कोई बीमारी फैल गई उसकी वजह से अगर वो खत्म होती है, तो यहाँ पे ये उनको मुआवजा प्रोवाइड करवाएंगे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है जी। जैसे LIC होती है ना ह्यूमन की लाइफ के लिए, वैसे ही ये जो क्रॉप्स हैं उनके लिए थी, ठीक है जी। लास्ट हमारा टॉपिक है NCDC। तो पहले ही मैंने बताया था कि काफी शॉर्ट टॉपिक है हमारा आज का, तो बस छोटे छोटे टॉपिक्स हमें इससे छोटे छोटे सब टॉपिक्स पढ़ने थे, तो ये आज का लास्ट सब टॉपिक है NCDC, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये सेटअप हुई थी 1963 में, राइट, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। AIC आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर, तो पैसे वाला काम है तो आप याद रख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से। यह है NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो कॉपरेटिव यानी कॉपरेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एम इसका क्या है, तो वही सेम चीज है, प्लानिंग एंड प्रमोटिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये सारा इसका टारगेट है, ठीक है जी। तो अब देखिए इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट हुआ कंप्लीट। आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चर। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इसके अंडर कौन कौन से सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो लिस्ट आपके सामने है। अब देखिए मैक्सिमम पार्ट हम इसमें कवर कर चुके हैं, लास्ट में थोड़ा ही बचता है, ठीक है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड, नेफ्ट एंड मेगा फूड पार्क स्कीम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चार टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, इसके बाद ये दो बचते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड देन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, राइट। बस आपसे इतने से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, वीडियो काफी ज्यादा शॉर्ट होगा तो ऐसे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। RRBs स्टैंड फॉर रीजनल रूरल बैंक्स।
रीजनल लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे जो बैंक्स खोले गए हैं उन्हें आरआरबीज कहते हैं। अब इनमें ना मेंबरशिप टाइप होती है, ये प्रॉपर सरकार के अंडर नहीं होते हैं, बट जो गवर्नमेंट ओन बैंक्स होते हैं, स्टेट बैंक्स होते हैं, स्पॉन्सर बैंक्स होते हैं, उन सबके मेंबरशिप होती है आरआरबीज के अंडर। ठीक है, तो प्योरली गवर्नमेंट नहीं होते हैं, बट हाँ मैक्सिमम जो इनकी कवरेज आती है मैक्सिमम ये गवर्नमेंट बैंक्स के अंडर आते हैं। ठीक है, अब आरआरबीज क्या है, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, फॉर्मेशन सब कुछ हम पढ़ेंगे, राइट। सो दीज बैंक्स ऑपरेट एट रीजनल लेवल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत में हर एक राज्य में रीजनल लेवल पे ये बैंक्स वर्क करते हैं। ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर इनकी वर्किंग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। फॉर्मेशन हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर बैंकिंग फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एक्सेट्रा इन द रूरल एरियाज टू बूस्ट द रूरल इकोनॉमी। इन शॉर्ट हम बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना ही इन बैंकों का मेन उद्देश्य है। अब ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे होगा, तो ऐसा नहीं सड़कें बनानी है ऐसा कुछ बनाना है, लेकिन वहां पे जो फार्मर्स होते हैं, गांव में जो किसान होते हैं, चाहे स्मॉल लेवल के हैं चाहे मार्जिनल लेवल के हैं, तो उन्हें लोन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, लोन कैसे देंगे कि हाँ इतना अमाउंट दिया, इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा कम होता है ना, तो उनको लोन प्रोवाइड करवाना, जिससे कि क्या है, अब फार्मर्स के पास पैसा है तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे पेस्टिसाइड, अच्छी चीजें वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर लेबर्स, तो यही है कि अब ग्रामीण इकोनॉमी जो रूरल इकोनॉमी है उसको डेवलप करना, कैसे, जो वहां पे फार्मर्स हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी, लोन क्रेडिट इजिली अब प्रोवाइड करवाना, कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करवाना, जिससे कि वो अपने काम पे ज्यादा फोकस कर सके, उन्हें पैसे की ज्यादा टेंशन ना हो। अब देखिए आरआरबीज के बारे में इतना ही है। ठीक है, अब ज्यादा हम जब बैंकिंग इन इंडिया पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे, फिलहाल हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना हम एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करनी है कि हमें सिर्फ एग्रीकल्चर फार्मर्स इनसे रिलेटेड स्टडी करनी, राइट। अब देखिए हमारे आरआरबीज तो हो गए, अब आता है नाबार्ड। सो लेट मी एडजस्ट द पेज फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे नाबार्ड नेफ्ट एंड मेगा फूड पार्क स्कीम के बारे में, राइट। तो देखिए नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के लिए और रूरल एरियाज में विकास के लिए नेशनल लेवल का बैंक है। ठीक है, सेटअप इन जुलाई 1982 में सेटअप हुआ था। इट इज अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ आरआरबीज एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। जो भी बैंक्स हैं आरआरबीज हैं उनको रेगुलेट करने वाली टॉप की बॉडी है। ठीक है, ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसके जो काम है वर्किंग है वो मेनली एग्रीकल्चर फील्ड में आती है। नाम से लग रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो अगर नाम में ही एग्रीकल्चर तो सोचिए कितना बड़ा रोल होगा इसके एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आता है नेफ्ट। अब नेफ्ट क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, मतलब नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, बीच वाला आपको याद करना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ठीक है, ये 1963 में सेटअप हुआ था, नाबार्ड 1982 में सेटअप हुआ था। ये क्या करता है, इट डील्स इन प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट क्या होता है, किसानों से सरकार जब अनाज खरीदती है, कब, जब किसानों के पास सरप्लस प्रोडक्शन होती है तो वहां से अनाज खरीदती है एट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि पहले ही सोइंग सीजन से पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है उस पे वो काम, मतलब उसमें भी इनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। सो इट डील्स इन प्रोक्यूरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सिलेक्टेड एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज। जो भी खेतों से रिलेटेड, जैसे अनाज है, अनाज से संबंधित, फसलों से संबंधित जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें भी नेफ्ट का रोल है। अब यहाँ पे याद रखना है प्रोक्यूरमेंट में ऐसा नहीं कि नेफ्ट करता है, मेन FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू करते हैं हम क्या प्रोक्यूरमेंट फार्मर्स से स्टोरेज हाउसेस के लिए। ठीक है जी, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, MSP क्या है, इश्यू प्राइस क्या है, वो सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। चलिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेगा फूड पार्क स्कीम के बारे में। तो इसमें ऐसा ज्यादा नहीं है बट पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जो मेगा फूड पार्क स्कीम है ये लॉन्च की गई थी 2008 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 50 crores टू सेटअप मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के लिए मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना ये उनका काम है। अब इसीलिए स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब है 50 crore का अमाउंट मिला था कि आप मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बनाइए फूड प्रोसेसिंग के लिए,
ठीक है, इट एस्टेब्लिशेज अ मैकेनिज्म टू लिंक टुगेदर फार्मर्स प्रोसेसर्स एंड रिटेलर्स एंड लिंक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू मार्केट। फार्मर्स जो है, प्रोसेसर जो है, रिटेलर्स है, उन सबको कनेक्ट करना ताकि किसानों को कोई बिचौला जो है ठग ना ले। होता ना सके बीच में कोई आता है कि अरे मार्केट प्राइस तो इतना ज्यादा है तुम्हें कम प्राइस मिलेगा, और बहुत कम प्राइस देकर किसानों को वहां से उनका प्रोडक्शन ले लेते हैं, क्रॉप्स फसलें ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो, फार्मर्स अब वैसे तो काफी हद तक जागरूक हो गए हैं, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सके रिटेलर्स के साथ और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है डायरेक्टली मार्केट में पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे आता है, फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, इंप्रूविंग फार्मर्स इनकम एक्सेट्रा। बहुत सारे काम है, वेस्ट मिनिमाइज किया जा सके, फार्मर्स की इंक्रीम जो इनकम है वो इंप्रूव की जा सके, ये सब इसका काम है। अब देखिए बहुत कुछ हमने पढ़ा, तो अब थोड़ा सा सोचिए कि मेगा फूड पार्क है क्या। तो मतलब फूड प्रोसेसिंग के लिए बड़ी बड़ी फैसिलिटीज बनानी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी जहां पे फूड प्रोसेसिंग हो सके। ठीक है, अब 2023 में बात करें तो 24 मेगा फूड पार्क्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्किंग में हैं, कुछ का काम कुछ को अप्रूवल मिला है, कुछ का काम रिजेक्ट किया गया है, वो नहीं हम पढ़ेंगे। जो ऑपरेशन में है हमें सिर्फ वही उसी से मतलब है ना। बाकी करंट अफेयर में कुछ ना कुछ आता रहता है, तो करंट अफेयर वाला तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चर। यहाँ पे एक इंडेक्स मैंने प्रिपेयर किया है कि इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो ये सब हो गया आपका, कलर्ड रेवोल्यूशन हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, फिशरीज सेक्टर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, MSP, इशू प्राइस, एग्रीकल्चर क्रेडिट, RRBs, NABARD, NEFT, NCDC, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। हमारे सिर्फ लास्ट के दो टॉपिक बचते हैं, मतलब ये लास्ट वीडियो है इस एग्रीकल्चर सीरीज का, इंपॉर्टेंट पोर्टल्स एंड एप्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स। ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। देखिए बहुत ही ज्यादा शॉर्ट वीडियो है क्योंकि इसमें हमें हार्डली एक पेज पढ़ना है पूरा का पूरा, है ना। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं एंड चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स एंड एप्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स हैं, एप्स हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है द पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। अब ये एक आप कह सकते हैं कि पोर्टल का नाम है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कोई पोर्टल है तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। अब जैसे कि फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, तो ये नाम से लग रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। लेकिन जैसे ये है द पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। चार आपके पास ऑप्शन होंगे, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर, किस चीज से रिलेटेड है, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको ये आ सकता है कि अगर फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है फॉर एग्जांपल, तो ये तो नाम से लग रहा है कि सॉइल से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये क्या काम करता है, इस तरह से आ सकता है। ठीक है, नाउ पहला हमारा है द पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ये क्या करेगा, इट विल हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंगेज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये मोटिवेट करेगा कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है कि जो एनिमल वेस्ट है या जो प्लांट्स का वेस्ट है उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करना, एंड जो भी खेती बाड़ी में चीजें यूज हो रही हैं वो सारी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है द फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जब हमें जमीन की उपजाऊ क्षमता यानी कि फर्टिलिटी बढ़ानी होती है तो हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इस सिस्टम के अंडर क्या होगा, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है टेक सैंपल्स ऑफ इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर्स टू एनालाइज इट्स परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी एज वेल। अब जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका इम्पोर्ट किया जाता है बाहर से, राइट। अब जो बाहर से इम्पोर्ट किए जा रहे हैं फर्टिलाइजर्स, उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद उन फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा कि उनकी क्वालिटी कैसी है, उस पर स्टडी की जाएगी, जो आउटकम आ रही है सॉइल से उसको स्टडी किया जाएगा। तो इस तरह से कोई फर्टिलाइजर कितना इंपैक्टफुल है सॉइल पे उसको चेकआउट किया जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारा आता है द सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल। देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल क्या है, तो नाम से लग रहा है कि एक सॉइल हेल्थ कार्ड जो है फार्मर्स को इशू किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है देखते हैं, टू रजिस्टर सॉइल सैंपल्स। अब जो किसान हैं वो अपने सॉइल सैंपल्स रजिस्टर करेंगे इस कार्ड के, इस पोर्टल के थ्रू, टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस ऑन सॉइल हेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज में ये एक डेटाबेस कलेक्ट करने के लिए कि जमीन की हेल्थ, अब सॉइल हेल्थ क्या होती है, जैसे ह्यूमन, अगर ह्यूमन हेल्दी है मतलब उसको खाना पीना अच्छा मिल रहा है, अच्छे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, और अगर इंसान कोई हेल्दी होगा तो वो कोई काम भी प्रोडक्टिवली करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं खाना नहीं खाती हूँ सारा दिन तो मैं नोट्स नहीं बना पाऊंगी, ढंग से वीडियो नहीं बना पाऊंगी, बट अगर मुझे प्रॉपर डाइट मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, दूध दही ये चीजें मिल रही हैं, तो
मैं अच्छे से प्रोडक्टिवली काम करूँ, क्योंकि ऊर्जा आती है ना इंसान में, एनर्जी आती है। सेम वही चीज़ हमारी ज़मीन के साथ भी होती है। जो सॉइल है, अगर उसको प्रॉपर फर्टिलाइजर्स दिए जाएंगे, अच्छा पानी, अच्छी क्वांटिटी में पानी दिया जाएगा, अच्छे आप उसमें बीज लगाएंगे, अच्छी उसकी केयर करेंगे, है ना, प्रॉपर उपजाऊ ज़मीन होगी तो प्रोडक्शन अच्छी होगी। लेकिन एक बार अगर आपने ज़मीन में बीज लगा दिया, ना उसको पानी दिया, ना उसकी देखभाल की, ना फर्टिलाइजर्स डाले, ना पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, तो कैसे वो आपको आउटपुट देगी, है ना। तो ये सब चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कि नेशनल डेटाबेस बनाया जा रहा है, जिसमें सॉइल हेल्थ का क्या यूज है फ्यूचर यूज के लिए, उसके ऊपर मतलब एक डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है, तो उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, अब हमारा फोर्थ आता है एग्री मार्केट मोबाइल ऐप। अब जिसे हमारा जो टॉपिक है वही था, पोर्टल्स, एप्स, वेबसाइट्स, स्कीम्स, ये सब पढ़ना है। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ना, जैसे गूगल पे, तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने जहाँ से कलेक्ट किए हैं वो बुक ही मतलब एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स के प्रस्पेक्टिव से बनी है। तो उसमें तो हर एक स्कीम का बहुत ज़्यादा दिया है, बट मुझे वो सब रेलिवेंट नहीं लगा, है ना। काम क्या करता है कोई पोर्टल या सिस्टम, तो उसका पता होना चाहिए थोड़ा सा, बाकी ये भी नहीं ज़रूरी। सिर्फ ये है कि कोई आपको नाम आ गया तो किससे रिलेटेड है, या हल्का सा क्या काम करता है, इतना ही आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है एग्री मार्केट मोबाइल ऐप। ये क्या करेगा, एग्री मार्केट यानी एग्रीकल्चर से संबंधित मार्केट है, टू कीप फार्मर्स अबाउट द क्रॉप प्राइसेस अराउंड देम, टू कीप फार्मर्स अवेयर आएगा यहाँ पे, टू कीप फार्मर्स अवेयर अबाउट द क्रॉप प्राइसेस अराउंड देम। इसमें जो 50 किलोमीटर का एरिया है फार्मर का, उसके ऊपर स्टडी करके ये ऐप बताएगी कि आसपास जिस फसल के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके क्या प्राइस चल रहे हैं। फिर किसान जहां भी चाहे उनको बेच सकते हैं, बट वही है फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह ज्यादा हो जाते हैं। तो वही है कि फार्मर्स को जो है आसपास फसलों का क्या प्राइस चल रहा है उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट मोबाइल ऐप आती है क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप। अब देखिए, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है एग्रीकल्चर या इस तरह के सब्जेक्ट्स, हॉर्टिकल्चर, इनको अगर एज अ मेन्स कंसिडर किया है, तो उनको तो बहुत डेप्थ में पढ़नी होती है हर एक चीज, क्योंकि हम इसको जस्ट एक एग्रीकल्चर के टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप, तो एक मोबाइल ऐप है, एप्लीकेशन आप समझते हैं, जैसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, आपका फेसबुक है वो वैसे वेबसाइट है बट एक एप्लीकेशन के फॉर्म में है, व्हाट्सएप है वो एप्लीकेशन के फॉर्म में है, आपका काइंड मास्टर है या पिक्सआर्ट है, जो भी आप यूज करते हैं वो सारा एप्लीकेशन के फॉर्म में है ना, व्हाट्सएप है आपका, इंस्टाग्राम है, राइट। चलिए, क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप क्या है, टू गेट द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द क्रॉप इंश्योरेंस कवर अवेलेबल इन द एरिया। अगर कुछ भी घटना हो जाती है क्रॉप्स के साथ, तो कुछ इंश्योरेंस कवर मिलता है ना, मतलब कुछ पैसा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी, हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC, है ना, तो वैसे कुछ पैसा मिलता है। तो अब जो क्रॉप इंश्योरेंस कवर है, हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग होता है, तो उसका पूरा का पूरा डेटा जो है इस मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। ठीक है जी, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो काफी शॉर्ट है, तो ये हमारा आज का लास्ट है सब टॉपिक आप कह सकते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी, हु इज प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनके द्वारा लॉन्च की गई थी 2015 में। इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है सॉइल कार्ड, एक सॉइल हेल्थ कार्ड, इस तरह का एक कार्ड जो है इशू करती है फार्मर्स को, टू हेल्प देम गेट ए गुड हार्वेस्ट बाय स्टडिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो उसके अंडर अब सॉइल कार्ड है, तो वो अपनी सॉइल की क्वालिटी को स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद उसके लिए अच्छी प्रोडक्शन निकाल सकते हैं जमीन से, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की ज्यादा नॉलेज है ना, तो आप उससे ज्यादा काम निकलवा सकते हैं। अगर सॉइल की हेल्थ का आपको पता है कि हमारी मेरी सॉइल में ये चीजें उग सकती हैं, ये नहीं उग सकती, क्योंकि मेरी सॉइल सिर्फ इतनी ही हेल्दी है, बहुत हेल्दी नहीं, अगर ऐसी ऐसी चीजें आपको पता होंगी तो आप उससे प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हो, है ना। चलिए, पहले ही कहा था छोटा सा टॉपिक है, हो गया कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।